बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे सबसे क्लेवर शो जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। अब आप कहेंगे इसका नाम ही कुछ अजीब सा है, छठी के बच्चे आपसे अच्छे क्या मतलब है। वाकई छठी के बच्चे आते हैं, छठी के सिलेबस आपके सामने हम पेश करते हैं और आप यहां जीत सकते हैं 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, बल्कि 50 लाख रुपए जीत सकते हैं। 50 लाख रुपया मैं तो कभी जिंदगी में देखा भी नहीं। लेकिन हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ आके चैलेंज करते हैं कि वो छठी के बच्चों से अच्छे हैं। ये वो प्रोग्राम है जहाँ घर बैठे बैठे आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा, आइए आपको दिखाता हूँ कि पिछले हफ्ते का क्या सवाल था और इस हफ्ते लकी विनर कौन है जो 50,000 रुपया घर बैठे जीतने वाला है। हमारा पिछले हफ्ते का सवाल ये था, इन व्हाट कंट्री वॉज इलॉन मस्क बॉर्न। ए पिंडी का बंदा है, नाम मानो इलॉन मस्क पिंडी बॉय है। नहीं नहीं नहीं, पिंडी बॉय नहीं था। अच्छा जी, इलॉन मस्क कहां पैदा हुए थे? जिन लोगों ने सही जवाब दिया और हैशटैग यूज किया छठी के बच्चे आपसे अच्छे, वो हमारे लकी ड्रॉ में आ गए हैं और उनमें से सिर्फ एक जीतने वाला है। इसका आंसर क्या था? इलॉन मस्क वॉज बॉर्न इन पिथोरिया, साउथ अफ्रीका। अच्छा जी, ओके, साउथ अफ्रीका में वो पैदा हुए थे जी। वाह जी वाह, ये मुझे भी नहीं पता था, साउथ अफ्रीका में, वेरी नाइस। अच्छा जी, जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका के जवाब दिए छठी के बच्चे आपसे अच्छे हैशटैग करके, वो हमारी लकी ड्रॉ में आ गए थे और इस हफ्ते जीतने वाले का नाम है आमिर हसन फ्रॉम क्वेटा। आमिर, अब आप घर वालों को कह सकते हैं जो आपको कहते थे कि सारे दिन टीवी देखते रहते, कुछ नहीं करते हैं, घर बैठ के आपने टीवी देखा और आप 50,000 रुपए जीत गए। कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खातिन हजरात, अब चल के उन बच्चों से मिलते हैं जिनकी वजह से यहाँ रौला डलता है, जिनकी वजह से यहाँ कंटेस्टेंट्स आके चैलेंज करते हैं और जिनकी वजह से ये पूरी सर्कस लगी हुई है। आइए चल के मिलते हैं बच्चा लोगों से। Alright, ladies and gentlemen, very nice, very nice. हमारे बच्चे आ चुके हैं। सबसे पहले तालियां बजाएं इब्राहिम के लिए। ज़यान, and then मूसब। और मूसब के साथ है तलबिया। यार ये बड़े अच्छे पॉम्पॉम्स लिए, ये क्या लगाए हैं ऊपर? ये हेयरबैंड है। अच्छा, हेयरबैंड है ये। मैं कह यार शायद कोई एंटीना लगाया हुआ, तुमने कोई कैच करती हो ये रेडार? नहीं, एंटीना मैं थोड़ी लगाऊंगी। ओह, पहले मैं अपने बाल भी रेडी। आज मैंने सुना आप कुछ पोएम भी याद करके आई हुई हैं। व्हाई नॉट, मैंने की है। अच्छा, इधर आओ मेरे पास, आओ जल्दी से आओ। ओके, कौन सी पोएम है? छठी के बच्चे के ऊपर पे। अच्छा चलो भाई, ठीक है, पोएम आज सुनते हैं हम। रेडी गो। छठी के बच्चे प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज के होश उड़ाने वाले, 12 कैटेगरी के ऐसे सवाल चकरा सजा सबका दिमाग, प्यारे प्यारे गेस्ट जब आते हैं बच्चों को नाम लेकर बुलाते हैं तो खुद भी जोश में आ जाते हैं, बहलाते हैं पुसलाते हैं, सवालों में गुम हो जाते हैं और जब दे न सके वो सवाल का जवाब दो छाप जो को ऑप्शन लेते हैं, फिर बच्चे अपना दिमाग चलाते हैं और बोल एंटरटेनमेंट पर देखने वाले लोगों को अपनी समझदारी दिखाते हैं क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका तो तुम्हें इनाम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आज तुम्हें मैं पिज्जा खिलाऊंगा। ओहो वाह, माय फेवरेट। चल अब आजा, माय फेवरेट। अच्छा जी, हमना इज स्टिल नॉट फीलिंग वेल, शी इज नॉट गोइंग टू मेक टुडे, मगर हमना की जगह हमने एक और कंटेस्टेंट को बुलाया हुआ है जो कि यहाँ अक्सर आपको दिखाई देता है, लाइब्रेरियन उसका नाम है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो लाइब्रेरियंस वाली नहीं होती, वो बारबेरियंस वाली होती है। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम शेबी द लाइब्रेरियन। आई एम स्टार। केड़ा स्टार? इतना बड़ा स्टार हूँ, अब तक जितने लोग आए ना सबसे बड़ा स्टार मैं हूँ भाई। अच्छा भाई, वाह। शेबी, आज आप कुर्ता बहुत अच्छा पहन के आए। थैंक यू, थैंक यू। मगर ये हैंडबैंड ये क्या है? ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, इस पर मैंने सिलवाया लगता है। अच्छा सिलवाया। वैसे बड़ा अजीब सीन हुआ, आपको पता चला क्या? चपान ने एक मशीन बनाई भाई चोर पकड़ने वाली। अच्छा हाँ, उससे चपान ने 25 चोर पकड़े गए।
25 चोर वही मशीन गई चाइना। आपके महल्ले में वो आ गए थे, उन्होंने 25 चोर पकड़ लिए। नहीं नहीं भाई, फिर वही मशीन गई चाइना। अच्छा, चाइना से मैं उस मशीन से पकड़ा गया 45 चोर। आज सुबह वो मशीन आई पाकिस्तान। अच्छा। चोरों को तो पता नहीं, अलबत्ता मशीन चोरी हो गई है। ये कितनी दफा जोक मारा है और कहां कहां? नहीं, मैंने ये यही मारा है आज। मतलब ये उफ। खातिन हज़रात, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लाइब्रेरियन क्यों है। जी जी जी, लाइब्रेरियन साहब आज आप हमना की जगह बैठेंगे। आज भी नहीं आई। जी आज नहीं आई। क्या हुआ? अगर आप बैठना चाहेंगे। जी जी, मैं लड़कियों की जगह छोड़ते नहीं। खातिन हज़रात, हमारे लाइब्रेरियन आ चुके हैं और हमारे लाइब्रेरियन जो है हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ खेलेंगे। आज जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या ही बात है उनकी। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। पाकिस्तान में जब जोड़ियां बनती हैं, कुछ स्टूडियो के पीछे बनती हैं, कुछ आसमानों पे बनती हैं, मगर ये जो जोड़ी है ये जोड़ी वाकई ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बड़ी कामयाब जोड़ी है। जिस तरह कहा जाता है कि जी हैकल एंड जैकल, वैसा ही है। ठीक है जी, जिस तरह कहा जाता है बैटमैन एंड सुपरमैन। अच्छा। ठीक है जी, जिस तरह कहा जाता है नवाज शरीफ और जरदारी, मेरे मतलब एनीवे मैं मतलब बहुत सी बड़ी कामयाब जोड़ियां हैं। तो खवातीन हज़रात, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी एक ऐसी कमाल की जोड़ी है कि जब भी ये दोनों टीवी पे आते हैं आप सिर्फ कहते हैं और फिर तो आगे कौन है, कौन है भाई जान? लड़कियां हैं दो। लड़के हैं दो? लड़कियां हैं जी। ओए मजा आएगा शो देखने का। खातिन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज गिव इट अप फॉर, दोनों एक्टर्स भी हैं, दोनों होस्ट भी हैं, दोनों कंपेयरिंग भी करते हैं और दोनों कमाल के टैलेंटेड बंदे भी हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं। आज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम है नादिया फिजान। अस्सलाम वालेकुम। क्या किस चीज का वेट कर रहे हो? लड़कियां। अबे मजाक कर रहा था। हद हो गया यार, सारा जिप वाला कुर्ता पहन के आ गए। मतलब मुझे अच्छा लगा है कि इस क्लासरूम में जो है ना डस्टबिन बच्चों के साथ ही रखी हुई है। सबसे अच्छा सफाई लगा हुआ। अच्छा भाई, आदि और फिजान दोनों आ चुके हैं और दोनों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज छठी के बच्चों को इन्होंने चैलेंज किया है कि हम छठी के बच्चों को हरा के जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, छठी क्लास याद है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल याद है। थोड़ी विविड सी, हल्की फुल्की ये सी। बुरी वाली अंदर से या बाहर से? दोनों तरह से याद है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि आप लोगों की स्कूलिंग कहाँ से थी? मैं DHA शेख खलीफा बिन जैद स्कूल। DHA पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि फीस ज्यादा थी। और सर आपकी? मैं सिटी ग्रामर से। सिटी ग्रामर, तो मतलब दोनों मम्मी डैडी बच्चे थे? नहीं बिल्कुल नहीं, मम्मी डैडी बिल्कुल, क्योंकि मेरा सिर्फ लड़कों का स्कूल था तो सिर्फ डैडी डैडी थे, मम्मी नहीं थी। और आपका को एजुकेशन? को एजुकेशन था बिल्कुल। देख रहे हैं लड़का आगे जा रहा है। जी सर, लेकिन मम्मी डैडी ने बहुत ज्यादा नजर रखी हुई थी इसलिए मैं ऐसे ही रहा। मगर देखिए, आप लोगों की स्कूलिंग जो है आज काम आएगी क्योंकि छठी का आपके सामने सिलेबस पेश किया जाएगा और उस सिलेबस में से हम आपको बताएंगे कि आप कितना जीतने वाले हैं। वो पोडियम आप लोगों का है, प्लीज आइए पोडियम पे आइए ताकि मैं आपको गेम एक्सप्लेन करूं कि क्या होने वाला है। जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, छठी के बच्चों के अंदर सबसे पहले तो ये हमारे बच्चे हैं। हाँ जी। और ये एक बच्चों की नैनी है साथ। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हो बच्चे कुछ हैं। अच्छा, आपको थोड़े से रूल्स भी बताते जाए। सबसे पहले तो मनी ट्री देखते हैं कि आप क्या जीतने वाले हैं। मनी ट्री दिखाइए जी। अगर आपने पहले सवाल का जवाब दिया 5,000, अगले का 10, 25, 50 लाख रुपया और फिर 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 25 लाख रुपया और एंड में अगर आप लोग किसी तरह पहुंच गए लड़ लुड़ के तो आप जीतने वाले हैं 50 लाख रुपए। मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। क्या ये 50 लाख जीतेंगे? नहीं। क्या आप इनको 50 लाख जीतने देंगे? नहीं। क्योंकि लालच बुरी बला है। लेकिन बला तो साथ ही बैठी बेटा। कौन है, कौन है? मैं बता रहा हूँ, ये बच्चे जितने क्यूट है ना नजर नहीं आए, मैं एक दफा यहाँ आएंगे ना तो ये चीर फाड़ देंगे। अच्छा जी। जी सर। अच्छा, अब ये रूल ये है कि आपने हर कैटेगरी चूज करनी है। आपके सामने 12 कैटेगरीज पेश होंगी, वो 12 कैटेगरीज हमारी ये है। अच्छा जी, एनिमल किंगडम है, फिजिक्स है, मैथ्स है, पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, साइंस है, रिडल्स है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज और जर्नल नॉलेज। ये 12 कैटेगरीज है। इन 12 कैटेगरीज में से आपने हमारे साथ कोई सी 10 कैटेगरीज खेलनी है। ठीक है, अगर 10 तक हम कहे तो। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि हर कैटेगरी चूज करने के बाद आप एक बच्चा चूज करेंगे जिसकी महारत हर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर है। वो बच्चा यहां आके आपकी हेल्प किया करेगा। अब आपके पास 3 चीट्स हैं। पहला चीट है ताका झाकी, कि आपको जवाब नहीं आता। आपने कहा यार मुझे जवाब नहीं आता, आप यहां आए, आपने
ताकत जाकी की और आपने वो आंसर अपना दे दिया, ठीक है। दूसरी है छाप दो। छाप दो के अंदर आपने क्या करना है कि आपको आंसर नहीं आता, सही, आपने कहा भाईजन मुझे तो नहीं पता, जो इस बच्चे ने जवाब दिया है आप वही छाप दें, ठीक है, तो हम उसका जवाब काउंट करेंगे। लेकिन लास्ट जो हमारी है उसका नाम है बचत। आपको जवाब आता है, जवाब आना चाहिए उसमें, बजर आपने दबाया, आपने कहा कि जी मेरा जवाब ये, लेकिन बचत में ऑप्शन ले रहा हूं, उसमें यह है कि अगर आपका जवाब गलत हो गया तो इसका करेक्ट जवाब काउंट होगा, तो एक जना दो जवाबों की ऑप्शन है। एक डाउट अगर आपको है तो आप 90% ऑफ द टाइम दे आर करेक्ट, 90% ऑफ द टाइम, लेकिन क्योंकि ये भी बच्चे हैं जाहिर बात है तो 10% का एक मार्जिन एरर होता है जिसके अंदर हम गुंजाइश रखते हैं। अच्छा ये तो हो गया गेम के रूल्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ साथ ट्रिक्स और क्या होते हैं। अक्सर यहाँ टीम्स आती हैं, हमारे पास दोस्त होते हैं बड़े हंसमुख से बचपन के दोस्त हैं, जहाँ 5 लाख 10 लाख 7.5 लाख 8 लाख तक बात पहुँचती है वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है टीम में हमेशा। अच्छा, या वो लालच होती है या, और हमेशा यही कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो यहाँ पैसे के लिए थोड़ी आए हैं। अच्छा मुझे ये पता कि 6.5 लाख रुपए तक तो मेरी और फैजू की लड़ाई नहीं होगी, नहीं होगी, हाँ नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसका 6.5 देना है तो अगर वो जीता तो वो तो इसका हो गया, उसके आगे से फिर उसके आगे से लड़ाई हो सकती है, उसके बाद हो सकती है, लेकिन 6.5 बहुत दूर है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है ये काम। आपके सामने एक बजर है, जो डिसीजन आप करेंगे जो आंसर देंगे जब तक आप बजर नहीं दबाएंगे गेम आगे मूव नहीं होगी, जब एक दफा बजर दबा दिया वी कांट गो बैक, ऑलराइट, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज आप 10,000 जीत गए हैं तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि मेरे से 10,000 कैश ले लें या 5 लाख कैश ले लें। अगर आपने बजर दबा दिया कि नहीं मैं आगे खेलना चाहूंगा तो वो 5 लाख गया, okay। और अगर जवाब गलत हो गया तो क्या मिलेगा? मैंने कहा ये कौन सी अच्छी आया भाई, मुझे इनका सिंक अच्छा लगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ बड़े लोगों को कहता हूँ भाई मेरे से कैश ले लो, आराम से पैसे लेके जाओ, इंजॉय करो, मगर लोग नहीं लेते। लोगों का होता कि नहीं जी हम लोग तो आगे तक जाएंगे खेल, असल में कैश में डर भी लगता ना छिन ना जाए वापसी में। हाँ ये भी है, प्लस हम लोग जहाँ शूट करते हैं वहां से वापस जाना भी आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी सबसे पहले तो आप दोनों में से आज टीम लीडर कौन है? मेरे ख्याल से फैजान। अच्छा मेरे ख्याल से आदि ठीक है। अच्छा आदि यार आप दोनों की दोस्ती कहाँ हुई थी, किस तरह ये शुरुआत हुई? हमारी दोस्ती हुई थी थिएटर में। फैजान जो है उस वक्त साकिब भाई के साथ थिएटर कर रहा था। अच्छा। साकिब भाई मेरे से पहले साथ काम कर रहे थे तो फिर फैजान एक डिनर पे आए थे बोर्ड। ये वो प्राइवेट थिएटर जो होता है ये बोला था या ये? नहीं नहीं कमर्शियल थिएटर, कमर्शियल थिएटर। तो फिर साकू ने हम दोनों को मिलवाया था और अल्लाह का ऐसा करम है कि आज तक हम जब देखा एक दूसरे को ला 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 एकदम से साकू जो है ना हमारे बीच में हीरो बन गया पहली और आखिरी बार। और आप तो माशाल्लाह कितने साल हो गए आप लोगों को एक साथ? 8-9 साल। आपकी रिसेंटली शादी भी हुई है? 4 साल हो गए रिसेंटली। हाँ तो रिसेंटली 4 साल के अंदर कभी कभी बेगम ने इनके मिलने जुलने पे एतराज तो नहीं किया? मेरी बेगम की इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा बहुत अच्छी की दोस्ती है, अकलमंद है देखिए, आते साथ दोनों अकलमंद है असल में। हाँ बिल्कुल। हाँ यहाँ तक कि जब शादी होने लगी थी तो इसने मुझे लिटरली एक दफा सीरियस होकर कहा यार तू शादी कर रहा है यार देख ऐसा ना हो कि दोस्ती कहीं खराब रहा कुछ नहीं होता भाई। हाँ। लेकिन माशाल्लाह से इसकी माम की बहुत अच्छी दोस्ती है। अरे वाह। सो वी हैंग आउट टुगेदर ऑल थ्री ऑफ अस। ओके तो आपने अभी तक क्यों नहीं शादी की? मैं कर रहा हूँ लड़की वाले मानते ही नहीं है। अरे तो आप वाला हिसाब है, इनके लड़के वाले नहीं मानते। बहुत अच्छे इसलिए बुलाया हुआ है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बजाने के लिए रखा हुआ है। तो हमना की जगह घंटा लिख देना। नहीं लिख रहे ये लोग। नहीं नहीं देखिए शैबी की सबसे खास बात ये है। अच्छा आगे चलते ये खास बात तो मुझे आज पता चली है। अच्छा देखिए शैबी की एक सबसे अच्छी बात जो असूलन है जिनका जिनका यहाँ काम होता है, एक लाइब्रेरियन का काम यहाँ होता है कि जी किताबों में से अगर कोई आप कहीं अड़ गए फंस गए तो ये गाइड करते हैं कि यार आप ये बेहतर ऑप्शन है ये बेहतर ले लें, ठीक है, क्योंकि कलर्स के हिसाब से अक्सर सवाल टफ भी होते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह सवाल टफ होते जाएंगे। तो मेरा ख्याल है शुरुआत करते हैं, 5,000 रुपया तो मेरी तरफ से आप लें क्योंकि बोली है, ठीक है, थीक है? बजर दमाएं 5,000 के ये 5,000 के लिए खेलने लगे हैं। अब सबसे पहले कैटेगरी वो अपना बजर साथ लाए हमारा वाला निकलवा दें। 5,000 पे बाहर निकली आगे जाके क्या होगा। अच्छा जी कैटेगरीज दिखाएं, कैटेगरीज कौन सी ये लोग खेलने वाले हैं। अच्छा
कैटेगरीज कौन सी सबसे पहले खेलना चाहेंगे? एनिमल किंगडम खेलना चाहेंगे, फिजिक्स, मैथ्स, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, कल्चर? मुश्किल वाली बात में छोड़ देते हैं, रिडल, रिडल से शुरू करते हैं। रिडल्स, रिडल्स। तो मतलब रिडल्स ही लेना चाह रहे हैं पक्का? मैं तो कहूंगा भाई जनरल नॉलेज कुछ ऐसे आराम आराम से आगे चलते हैं। हाँ। ऐसा ना पहले ही देखो भाई आते साथ ही डिफरेंस हो गया। अगर तुम्हें मेरी बात की इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर अपना कर लो जो करना है। अच्छा बीवी मेरी घर पे है तो तुम वो ना बनो। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के हिसाब से, जनरल नॉलेज पे एनिमल किंगडम आदि जो भी बजर दबा देगा मैं वो लॉक कर दूंगा। जनरल नॉलेज, अगर आप जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज लिया है। किस बच्चे की जनरल नॉलेज अच्छी है जी? किस बच्चे को लेना चाहेंगे? हमारे पास बड़ी वैरायटी है बच्चों की, वो देखें जी। हमारे पास कौन सा है? डिफेंस के बच्चे भी है, गुलशन के बच्चे भी हैं हमारे पास। हमारे पास लियारी का बच्चा है, ये तीन, तू लियारी का दिया। हाँ। ये किसका है आखिर वाला? मैं शकील का। शकील को पता है बात? कोई देखे ना देखे शकील जरूर देखेगा। अच्छा जी आदि भाई भाई घोड़ों की रेसेस जो नहीं होती है वो है। अच्छा जो, अच्छा ठीक है, जो बच्चा हमारी सबसे ज्यादा तारीफ करेगा ना एक जुमले में उनको लड़वा दे। अच्छा चले, अच्छा 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 बेटा, इनी मीनी माइना मो करेंगे। हाँ ये ठीक है, इनी मीनी माइना मो में जो आगे वो चलो चलो चलो। इनी मीनी माइना मो हक्का चीना पाना बो दे सांदा राजा मेरे बाबू जयान आ गए। ओए जयान वापस आ गया। ये देसादा राजा बीच में कैसे है? इनी मीनी में भाई जान यहाँ रिकॉर्ड है, जो आता है ज़ियान को पहले लेता है, लेकिन पिछले दो हफ्तों से ज़ियान को कोई चूज नहीं कर रहा था तो इस बेचारे का रिकॉर्ड टूट रहा था। आज आपने वो रिकॉर्ड फिर से बहाल कर दिया। यस, क्या बात है। इसका मतलब है आपने हमें सही जवाब दिलवाना है जी। अगली दो कैटेगरीज आपके साथ ज़ियान खेलेगा। अब जो आप पहली कैटेगरी आपने चूज की है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज से आपके दो सवाल आएंगे, ठीक है। 5,000 का आपका पहला सवाल ये है जनरल नॉलेज का जी। दिखाइए, हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव इन एन ईयर? कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो चेक कर, मेरी एक टूटी हुई भी है, बॉल लगी। बोनलेस कान। भाई आपके कान में कितनी हड्डियां हैं? मेरे मेरे कान भी हैं। भाई कान में कितनी हड्डियां होती हैं? जी जी जी। देखिए, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द परवरिश ऑफ योर पेरेंट्स। वो सब तो ठीक है। हानि भाई ये बताएं, आप बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे उसको? हम बचा लेंगे, बचा लेंगे हम उसको। पान में, पान में नहीं, कान में। अबे कान में, मेरे कान बंद हो गए सुनो। कान में कितने होते हैं यार? वैसे तो देखने में तो एक ही लग रही है मुझे, मतलब ये खाता है, ये पान खाता है। कौन सा पान खा रहा है आजकल? मैं पान नहीं खाता। ये देखें, एक तो ये है। हाँ, अब इसको बदले क्या चिचड़ा कहेंगे या चिचड़ा? यहाँ पे साइड में लगा हुआ है कुछ। हाँ कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, चिचड़ा नहीं हो सकता मेरे। वो जो साइड पे लगा हुआ है वो सदके की निशानी है। तो हड्डी गिनना कान में, कान में कितनी हड्डी होती है? एक, दो, तीन। ऐसे ऐसे दिखती है हड्डियां? एक, दो, तीन। भाई दबा के तो यही हो रहा है ना। अब ये हड्डी भी है कि नहीं? क्या पता हड्डी ना हो यार। मैं, मेरा ये बाकी कार्टिलेज जो होता है ना बड़ा ट्रिकी होता है। अच्छा मुझे ये तो पता है कि कंसीडर्ड अ बोन और नॉट। मुझे इतना ये पता है कि कान में ना बहुत कम हड्डियां होती हैं, इतना तो मुझे फिक्स पता है। ये तो पता है, ये तो पता है, चलो ये पता है, बड़ी बात है। दो तीन चार टाइप ऐसे कुछ है। दो तीन चार टाइप कुछ है। अच्छा चीट ले लेते हैं। चीट पहली सवाल में? पहले सवाल में प्यार से ना चीट स्लिप कर रहे थे वाली। चीट ले लो यार, चीट नहीं लेंगे हम। 5,000 रुपए पे चीट ले लेते हैं। नहीं नहीं, लोग तो 10,00,000 पे जाके चीट लेते। तू 5,000 15 मिनट में शो खत्म हो जाएगा। अगर हम जवाब गलत दें तो क्या होगा? आप जाएंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट जो बैकअप पे है वो आके खेल लेंगे। नहीं नहीं बहुत, जितने पैसे लिए उसमें घंटा तो खड़ा होंगे। दो तीन चार, एक पे कुछ मुझे ना तीन तीन, मैंने ऐसे भी देखा तो तीन लग रहे हैं। तीन तीन तीन, आप कह रहे हैं तीन। बजर दबाएंगे तो मैं लॉक करूंगा अगर आप जो कहेंगे। अगर ये गलत हुआ ना मैं तेरे कान के नीचे घूमना फिर। मेरी अम्मी ने कहा था कि जब भी किसी परेशानी में फंसो तो आंखें बंद करके मामा पापा का नाम लो। अच्छा वो अम्मी नहीं थी, वो शाहरुख खान ने कहा था। अच्छा यार मेरे ख्याल से तीन ही ठीक। मुझे भी तीन तीन ही लग रहा है। तीन करके देखते क्या होगा, कितना जलील हो गया, कितना कोई जलील हो जाएंगे। हां बस ये तो होने, हार जाएंगे आप? नहीं नहीं हारेंगे, तुम हमारे साथ हो बेटा, हमारे खिलाफ नहीं हो। ये कहता हार जाएंगे बस और क्या होगा। ये ऐसी जगह पे जाके धोखा देते हैं जहां पता भी नहीं लगता। चल भाई तीन ही क्या किया इसने? तीन सोच लो। अरे सोच लिया, बहुत बेइज्जती होगी, बहुत छोटे बच्चे हैं। क्या है मैक्सिमम? 5,000 5,000 5,000 गया और कुछ नहीं जाएगा। चलें तीन
तीन ओके जी टुल्ला हमारा तीन आइए देखते हैं शदीद टुल्ला है तो वी हैव थ्री बोन्स इज इट ट्रू क्या भाई क्या बात है आदि भाई आते साथ ही आप लोगों ने फॉल्स तीन हड्डियां और आपका जवाब गलत हो गया गादी ने हजरत आदि और फैजान के लिए तालियां बड़ी जल्दी पे था आप आदि असल में मैंने वलीमे पे भी जाना था गलत हो गया अच्छा यार ट्रू कर दो यार मजाक कर रहे हैं हम लोग यार हैं अगर ऐसे टीम ने लीड होना है तो अल्लाह ही खैर करे चले अच्छा जी ख्वातीन हज़रात हमारी अगली कैटेगरी है बल्कि कैटेगरी तो वही रहेगी लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं अभी आप 5,000 रुपए जीत चुके हैं बजर दबा दे ताकि 10,000 रुपए के लिए ये 10,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं ब्रेक के बाद अभी हाजिर होने कहीं ना जाएगा आप देख रहे हैं ठीक है बच्चे ख़वातीन हज़रात वेलकम बैक आज हमारे साथ छठी के बच्चे में हैं फैजी और आदि इन्होंने तुक्का मार दिया एक पहले हाँ जी आते साथ इन्होंने तुक्का मार दी 5,000 रुपए ये जीत चुके हैं अब 5,000 रुपए के लिए आपके अगला जो है वो 10,000 रुपए के लिए आप खेलने लगे हैं अच्छा मुझे बताएं कि आप में से नॉर्मली किसकी हाँ ज्यादा सुनी जाती है और किसकी ना ज्यादा सुनी जाती है ऐसा तो नहीं है ज्यादा वादा तो नहीं हाँ ज्यादा कम नहीं हम डिपेंड करता है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है या क्या भाई जब आप लोग क्रिएटिवली काम कर रहे होते हैं तो आइडियाज तो आ रहे होते हैं इट्स इक्वल हाँ मतलब हमारा वो होता है कि भाई मजा आना चाहिए जो बात कर रहे हैं ना अगर मजा आ रहा है दोनों को सही लग रही है तो ठीक और ऐसा भी नहीं होता कि यार अच्छा 6 दफा इसकी हाँ हो चुकी है तो 4 दफा मेरी भी होनी चाहिए ऐसा नहीं है अच्छा ऐसा नहीं राइट इफ आई एम राइट इसमें और हमारी डिफरेंसेस भी होते हैं क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं एंड वी एग्री टू इट आप लोगों ने फैसल कुरैशी साहब के साथ बड़ा काम किया ठीक है ना किया हमारे साथ उन्होंने हाँ उन्होंने आप लोगों के साथ काम किया उनके लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि उन्होंने आपके साथ उन्होंने भी किया हमारे साथ उन्होंने भी किया वैसे कितना टाइम आप लोगों ने लगाया 4 साल तो फैसल कुरैशी की कोई अच्छी बात बताए अच्छी बात हाँ एक अच्छी बात क्या है अच्छी बात यह है कि वो इन बेबीज से ज्यादा शरारती है बहुत शरारती है वो अगर अच्छी बात मुझे लगता है उनकी ये कि वो मैंने उनको कभी किसी से इनसिक्योर नहीं देखा नेवर आप नए हो न्यू कमर हो तो वो इंतहा आगे बढ़ बढ़ के आपको मोटिवेट करते हैं चीजों में हेल्प करते हैं इनफैक्ट गाइड करते हैं अच्छा तो ये बहुत अच्छी आदत है जो मैं बहुत कम लोगों में देखी है और एक गंदी आदत क्या है गंदी आदत एक नहीं दो तीन होंगी मुझे लगता है गंदी आदत वो थी गंदी आदत बहुत शरारती है मैंने उनकी एक दो गंदी आदत दुबई में देखी थी फिर इसने अपनी भी दिखाई मेरी ज्यादा हो गई नहीं उनकी गंदी आदत ये कि वो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे अरे और फिर आगे शिकायत भी करते हैं यार मेरे साथ तो ये हो गया अरे मैंने कहा फैसल भाई आपको मतलब ये काफी ऑब्वियस बात थी लेकिन उनको बेवकूफ बनाना मुझे लगता है बड़ा आसान बेवकूफ बनाना ऑनेस्टली और वो नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं अच्छा हाँ मैं मानते भी लाडियां कराते हैं मान तो जाते हैं लेकिन छोटी सी किसी बात उनको फंस जाती है फिर वो नाराज हो जाते हैं फिर आप उनको बेबी की तरह मनाओ तो वो एक मिनट में अच्छा नाराजगी का मतलब आप लेवल चेक है ना मसरूफ खुद हैं अच्छा 30 में से 31 दिन काम खुद कर रहे हैं और नाराजगी है कि तुम लोग मिलते ही नहीं हो परफ्यूम लगाया आप लोगों ने हाँ जी बिल्कुल क्या बात है इसने भी लगाया था जी जी बताया परफ्यूम की बोतल टूट गई परफ्यूम जम सा गया बिल्कुल परफ्यूम ठकने पे नहीं जाऊं ये जब परफ्यूम आया ना इसने कहा यार ये क्या नहीं नहीं शैबी देखिए आज आपने कुर्ता अच्छा पहना अब बड़ी मेहरबानी हाँ बस यहीं तक रखे है कुर्ते को बड़ा अच्छा जिप लगा दिया आपने क्या वो बटन खत्म हो गए थे नहीं वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या दर्जी के पैसे नहीं दिए मुझे ये स्पोर्ट्स बैंड वाकई अच्छे लगे हाँ मुझे तो लग रहा है इसने शमीज उल्टी पहनी हुई
वैसे जिप जितनी लंबी है उसी में होती है। मेरी बात बता रहे हैं हादी भाई, बहुत मासूम है। जी जी, कल एक जगह छापा पड़ा, पहले से ना मोबाइल में जाके बैठ गया। मैंने कहा ये क्या हरकत की, बोला परसों भी छापा पड़ा था, सीट नहीं मिली थी मुझे। अच्छा खवातीन आगे बढ़ते। अच्छा जी, आप लोग 5,000 रुपए जीत चुके हैं, अब देखते हैं 10,000 रुपए के लिए आप लोगों का वही जनरल नॉलेज का सवाल क्या है। What is the world's fastest bird? ओए होए, वो कौन सी चिड़िया है जो हाथ नहीं आती भाई, उड़ने वाली चिड़िया? वो तो ये तो वो वाली होती है ना यार, वो जो बड़ी शक्ल से यूं देखती है। ये तो हर चैनल ओनर यूं देखता है महीने की पहली को, क्या मतलब है पैसे मांग रहा है क्या करने आगे। ये तुमने तो बिहेवियर तो तुम्हारा वल्चर वाला था, लेकिन अब पता नहीं नहीं यार वो। अच्छा, जानवरों का शौक है? जी जी जी, आप देख सकते हैं घर में इतने बड़े घर में इतने बड़े बड़े शीशे लगे हुए। 9 साल बाकी। कोई कभी कोई पेट वगैरह पाला? जी जी, मेरे पास डॉगी है हमारे घर में, बर्ड। अच्छा डॉगी, वेरी नाइस। क्या नाम ये जिस तरह से प्यार करता है ना, नेक्स्ट लेवल। जी ब्रूनो नाम है उसका। ओए, और कौन सा है वो? लैब्राडोर है। लैब्राडोर, वेरी नाइस। और आपने कोई नहीं जानवर? मैंने जी रखा है बिल्कुल, बिल्ली रखी है एक जमाने में बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा। अब मेरी नीस को से थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो फिर हम नहीं रख सकते उसको। अच्छा, एलर्जी होती है उसको। लेकिन ये कि मेरी अम्मा को एक जमाने में बहुत शौक था, घर से ज्यादा, घर के लोगों से ज्यादा बिल्लियां थी घर में हमारे। अरे वाह, 8-10 बिल्लियां घर में। क्या बात है। हां, पर्शियन। और इन्होंने भी रखे थे घर में कुत्ते? जी जी जी, बताएं। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा ये अंदर क्यों सो रहा है? मजे की बात है, अभी तक है। यार ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ बात हो रही है यार। ये आपके लिए है भी नहीं है, शकील भाई के लिए। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से जाके फैसल भाई का शो कराओ, यहाँ नहीं हो रहा। नहीं नहीं, भी यही लग रहा है। अबे नहीं, ये भी इसका अब्बा मुझे अक्सर कहते थे, अबे यार तू तो हाथ वाला रखा कर। मैं कहता नहीं यार, वैसे चले आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, बर्ड कौन सी फास्टेस्ट बर्ड है? मैं जहाँ तक मेरा है, आपको कोई अंदाजा है फैल्कन बर्ड का? फास्टेस्ट बर्ड फैल्कन होता है। फैल्कन होता है? फैल्कन होता है भाई। मैंने तो बुर्राक का सुना है कि नेक्स्ट लेवल चीज है वो। फैल्कन होता है क्योंकि हमारी बाइक, हम लोग बाइक्स के आगे भी अक्सर फैल्कन का वो लगा है। आपको अच्छा नहीं तो वो बाइक की स्पीड नहीं आपने बतानी, आपने फैल्कन की स्पीड बताई। मैंने वो सही बात बोली, हां देखा है मेरे ख्याल से। चूजा? चूजा आपने बिल्कुल ही टाइम वाली बात की है इसका। आई थिंक चूजा फैल्कन इट इज, यस। बट अच्छा, मजे की बात है ये चूजा भी नहीं पकड़ सकते। मुझे लग रहा है चूजा ही पकड़ सकते हैं। जी जी जी, नहीं नहीं, चूजा भी इग्नोर कर लेते हैं इनको। मुझे ऐसा इनको देख के ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारे चूजे पकड़े। एक आध चिकन भी पकड़। क्यों आप फुल टॉस दे रहे हैं? आपको पता है फुल टॉस नहीं देना, मुसलसल दे रहे मुसलसल। कोई बात है, कोई बात नहीं। अच्छा चले, बताए जी फैल्कन। फैल्कन फैल्कन, हाँ मैं इसको बहुत उससे। आप एडी करते फिजा, मुझे कुछ डाउट्स है। मुझे लग रहा है कि डाउट्स है। चीट ले लेते हैं, चीट ले यार, ये चीट के चक्कर में मैं कह रहा हूँ फिर बाइकों के ऊपर लगाते हैं हम ऊपर आगे। अभी चीट की जो बाइकों वाली ये दलील दे रहा है ना, मैं इस पे मान सकता हूँ। फैल्कन मुझे पता है ना, और क्योंकि हमने इस बात बारे में बात की हुई के उसका टारगेट भी बहुत अच्छा होता है। टारगेट तो एम तो खैर उसका नेक्स्ट लेवल है, आई एग्री। वो बहुत दूर से एम करके आता है, लेकिन ये तेज वाला आदू थोड़ा सा देख लो। देख लीजिएगा फैल्कन, मैं 100% हूं इसको। पिछले वाले नजर जमाए भाई, वो मिसाल में कहा जाता है ना, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, 5,000 रुपए जा रहा है। तुम फैल्कन ना बनो, वो मिसाल भी कहते हैं ना कि बुर्राक की स्पीड से आया और नहीं नहीं तुझे पता भी नहीं बुर्राक क्या होता है। बुर्राक वो जो सीरीज आई थी ना, अब वाह वाह वाह, ये मैं समझता मैं ही पागल हूँ। नहीं आप तो हैं लेकिन आप सही समझ रहे हो, आप बिल्कुल ठीक है, बात अलग है, मेरे दोस्त का मसला है। अच्छा वो तो बुराट थी, सही वो बुराट थी बेटा। फैल्कन भाई, मैं क्योंकि मेरी भाई आप फैल्कन कॉलोनी में रहते हैं? नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। वहां तो वो निदा भाभी रहती है ना। सबका बता दे आप, रश लगाओ तो फैल्कन। फैल्कन मैं अगर हारे 10,000 में तो से लूंगा। देखो मुझे कन्वर्सेशन इधर के साथ है कि क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, क्या रखें, क्या करें। तो हमारे पास एक और चीज थी और एक फैल्कन था, तो सबने कहा फैल्कन रखो क्योंकि वो नोन है इस बात। ओके, तो उसका टारगेट और ये सब बहुत इज द परफेक्ट टारगेट पे मैं सवाल ही नहीं उसको कहते हैं, परफेक्ट बर्ड कहते हैं। हाँ ये तो है, वैसे फैल्कन ये है कि उसका निशाना बहुत अच्छा है, स्पीड का मुझे पता नहीं कि फैल्कन। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो। अगले मैं तुम्हें बर्बाद आए, वरना 10,000 मैं अपनी जेब से जेब से दे दूंगा। फैल्कन करो फिर फैल्कन, तुम चल आ जाओ। जो तुम सोच रहे हो ना ये मुझे टेंशन दे रहा है। चीट 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 क्या। आदि और फैजान 10,000 रुपए जीतने वाले हैं। फैल्कन दिखाइए,
Is it true? Adi bhai. थैंक यू वेरी मच. जान से पहले कोई सवाल करना चाहते हैं? जी जी ऑफ कोर्स. अल्लाह खैर. फैजान भाई और आदि भाई, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आप दोनों में एज में कौन बड़ा है? एज में कौन बड़ा है? पहले ये तुम लोग चारों गैस करो. हाँ पहले आप लोग गैस करो. फिर हम मैं बड़ा कितना बड़ा हूँ? 5,000. मेरा ख्याल है आधी बड़ा है. एक साल, एक डेढ़ साल का फर्क है. एक दो साल का फर्क हो गया आप लोग का? जी जी. आप ही बता दें. फैजान बड़ा है. मैं आधी से 2 साल. वेरी नाइस. थैंक यू ज़ियान. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ज़ियान. आई लव यू. थैंक यू. अच्छा जी, अब चल के देखते हैं. आप कैटेगरी 10,000 रुपये आप जीत चुके हैं. अगर आप बजर अगला दबा देंगे तो ये 10,000 रुपये चला गया और 25,000 रुपये के लिए आप खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे. आइए जी. वरना आप ले मेरे से 10,000 रुपये, घर जाए, चिल करें. नहीं नहीं, वापसी का किराया तो आ गया. दो तुक्के लग गए हमारे. वापसी का किराया क्या, दो गाड़ियों पे हैं भाई. अच्छा फैसल भाई भी होके गए. फैसल भाई भी यहाँ होके गए. हाँ. कितना जीते थे? अच्छा कितने पैसे जीते वो? वो जीते थे हमारे पास कोई 10 लाख रुपए. ऑलमोस्ट. अच्छा, और मैंने कहा खाना खिला दो तो कहते हैं यार वो पैसे आजकल नहीं, हालात टाइट है तुम्हें पता है. हाँ, वो वाकई नहीं, मगर उन्होंने डोनेट किए थे. हाँ. उन्होंने डोनेट. आपको तो मिल ही गए होंगे जाहिर सी बात. चलें जी, 25,000 रुपए के लिए आइए. कैटेगरी देखते हैं कौन सी कैटेगरी आप खेलना चाहेंगे. कैटेगरी आपने अभी तक सिर्फ एक कैटेगरी यूज की है. जनरल नॉलेज आपकी चली गई है. अब कौन सी कैटेगरी अगली खेलना चाहेंगे? कौन सी कैटेगरी आपको पसंद है? आपको लगता है कि 25,000, क्योंकि अब इसके अंदर से भी 2 सवाल आएंगे. इसका मतलब है कल्चर और ये फिजिक्स मैथ्स से तो 25 और 50 तक आपने खेलना है. मैथ्स तो नहीं कर सकते. मैथ्स तो बेटा मैथ्स में फारिग है दोनों. 25 पे जाके खेलेंगे मुझे लगता है. अच्छा, मैं तो मैथ्स में इतना फारिग हूँ, चेक आता है उसकी रसीद पर तो उसमें गलत लिख देता हूँ. बहुत बड़ा मसला है. फैसल भाई वाला हाल है. हाँ वो तो खैर, उनको तो आप बता भी नेक्स्ट लेवल ऐसी. मैं सोच रहा हूँ एनिमल किंगडम में चले जाते हैं. आए एनिमल किंगडम, उसमें क्या जानवरों के सवाल? जानवरों के सवाल होंगे. नहीं मतलब जानवर कौन सा है वाले उसमें, सवाल उसमें बड़ा अच्छा सवाल है. कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पपी. यस वेरी गुड. बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन. वेरी गुड. शकील के बच्चे को क्या कहते हैं? पपी. शक्ल मैच तो नहीं हो रही लेकिन साइंस की तरफ, क्योंकि मैं अपने सच बता रहा हूँ. मेरी मिस का नाम था मिस हिना और मैं साइंस का एक ग्रेट स्टूडेंट रहा हूँ. उफ अल्लाह. तो मुझे ऐसा लगता है आपने और मिस हिना ने मिलकर क्या इजाद किया? कह रहे भी ये मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया था. अच्छा, क्यों दे रहा है? क्यों फुल टॉसेस करा रहा है तू? मेरा दिल कर रहा है आज हारने का. नहीं साइंस, क्योंकि सिक्स ग्रेड मुझे, मेरी टेंथ ग्रेड तक बहुत अच्छी साइंस थी. साइंस. तो इसका मतलब साइंस लेना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी. साइंस ठीक है. तो बजर दबा दें ताकि मैं साइंस. साइंस ये साइंस की साइंस की साइंस ठीक है ना. अच्छा जी, साइंस के लिए कौन सी बच्ची आप चूज करेंगे? तुम इब्राहिम खबरदार नहीं करना. तुम तो मुझे 5,000 बड़ा कर रहे थे उससे. तुम्हारा तो कोई सीन ही नहीं है. और दिलवाऊंगा लेकिन 50-50 करनी है. मेरा ख्याल से डील कहां से मुझे बलवाने में 25 में. अच्छा डील्स बना रहे भाई सारे. सब है यहां. ट्रेन हो गए फुल हैं सारे. ठीक है भाई. मेरी कैलकुलेशन ये है कि क्योंकि बहुत सारी देर से लड़के लड़के हो रहे हैं तो अब रेटिंग के लिए भी काम करना चाहिए. तो तल्बिया जो है वो हमारे साथ. तल्बिया आ जाए. तल्बिया वैसे तुम किसी के कान लगा के आई हो. वेरी नाइस तल्बिया. अच्छा जी, तल्बिया आ गई हैं. आपने साइंस के अगले दोनों सवाल आपके साइंस के होंगे. ठीक है. ओए, ओए, ओए. ये न्यूटन वाला तो नहीं इनके साथ कहीं होने वाला? होने वाला है. हाँ हमारे साथ एक दफा हुआ था. एक टिकटॉकर आई थी, फजीला उनका नाम है. उनसे पूछा गया था कि चांद पे जाने वाले पहले शख्स का नाम बताएं. उन्होंने कहा न्यूटन. ठीक है, उनके हिसाब से वो गया हुआ. या फिर उनसे पूछे चांद किसको कहती हूँ. अच्छा जी, 25,000 रुपए का सवाल आपका ये है. वो भी साइंस का. वो भी साइंस जो कि मैं हैरान हूँ. डैश इज द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी. आसान है. ग्रेविटी, ग्रेविटी किसने डिस्कवर की थी? ये ना कहना बैरियर टाउन वाली ग्रेविटी. वो ग्रेविटी नहीं सर, चुप कर.
न्यूटन, ये तो न्यूटन है, न्यूटन यस सर, न्यूटन ही कह रहे न्यूटन है? हाँ ये तो न्यूटन होगा ही, आपने कहा न्यूटन ही होगा, ये देखो न्यूटन की बात हो रही थी और न्यूटन ही आ गया। ये आपने हमारी हेल्प तो नहीं, पूरा नाम बताया ना, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन जी, अल्लाह अबे कॉन्फिडेंस चेक करो यार भाई जान, इसका मतलब है साइंस आती है बच्चे को। लड़के ने बताया भाई ए आया था एक जमाने में, वो आखिरी दफा ही आया था। अच्छा टीचर ने आपकी साइंस में बहुत मेहनत की आपके साथ? नहीं वो टीचर बहुत सरप्राइज थी कि ये बच्चा साइंस में बड़ा, कि ये इसने कैसे किया, ये वो वाला ए नहीं था, वो था ए वो वाला ए था ए नहीं नहीं बहुत अच्छा था और मैं खुद भी सरप्राइज हुआ था है कि मुझे आता है। हाँ क्योंकि वो थ्योरी थी उसको याद कर रहा था तो मुझे मजा आता था उसमें। अच्छा रटा अच्छा है इसका मतलब है। रटा अच्छा है। ओके इसका मतलब आइजैक न्यूटन आप कह रहे हैं। आइजैक न्यूटन इट इज। ओ सर अब तो बजर ही दबा दिए तो इसका मतलब यार मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है। अभी तो 25,000 पे ही हुआ है तो मांगे सर आइजैक न्यूटन लॉक करें, देखते हैं आइजैक न्यूटन जीते हैं कि नहीं, ये लोग 25,000 पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। अरे शो मैं एक सवाल और दोस्त से पूछना चाहूंगा जी जी ए वाले दोस्त से ना कि वो ऐसी चीज क्या हुई थी जो आइजैक न्यूटन ने कहा कि जी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। सेब गिरा था दरख्त के नीचे बैठा था सर, वो माइक ड्रॉप आई थिंक सेब ड्रॉप सर, सेब ड्रॉप। आप आदि को इजी ले रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। साथ ही 25,000 रुपए पे पहुंच गए, आए ही चल के देखते हैं मनी ट्री पे आप किधर हैं। 25,000 रुपए पे पहुंच गए, अगर बजर दबाएंगे तो 50,000 रुपए के लिए ऑटोमेटिकली जा रहे हैं आप, अगर बजर दबा देते हैं। दबाते हैं भाई ना, जाना चाहिए। 25,000 रुपए ले लो, 25,000 रुपए में बंदा खाना खा ले। 25,000 रुपए आपको पता है महंगाई का क्या सीन चल रहा है, दो अलग गाड़ियों पे आए हैं बताया आपको, डीजल ही लग जाएगा इतना तो मुझे लग रहा है। एक गाड़ी पे तो आ गया है, हां 25,000 रुपए एक गाड़ी टैंक फुल हो गया तो कम से कम 50,000 तो होना। तुम्हारी गाड़ी तो हो गई, मेरी गाड़ी तो हो गई, अभी फैजान की गाड़ी के लिए खेलेंगे। मेरी गाड़ी भी तो भरवानी भी आगे दबाते बजर दबा के चले और 25,000 रुपए गए खवातीन हजरात, 50,000 रुपए के लिए आप खेलने वाले हैं। कैटेगरी आपकी वही रहेगी, ठीक है, गलत जवाब दिया तो उसी सेब की तरह नीचे गिरेंगे बिल्कुल। तो अब देखते हैं 50,000 रुपए वाला सवाल क्या है। आपका 50,000 रुपए वाला सवाल ये है, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। आसान ये तो आसान है, ये आसान है, इट्स नॉट अ सिक्स्थ ग्रेड, इट्स लाइक अ वन ग्रेड क्वेश्चन फॉर अस। अच्छा ओह वाह, ये रेड प्लैनेट कौन सा वाला है, लियारी में जो है? ये मैर्स है जी, मैर्स। अच्छा मैर्स, मैं ये तो मैं आते सबको ही बताइए। हाँ तो मतलब फिर आपको तो ये मतलब इजी सा है, ये इजी सा है ये वाला। प्लैनेट्स वगैरह आपको वो मतलब नॉलेज है आपकी साइंस और इसमें? हाँ मतलब बेसिक तो पता है, जाहिर सी बात है। ठीक है हाँ, तो जैसे उन्होंने बताया था ना न्यूटन गया था पहले चांद पे, इतनी बेसिक वाली तो हमें पता है कि न्यूटन का सीन नहीं था। जैसे सेब वाली बात भाई जान, रेड प्लैनेट आपको भी पता होना चाहिए, आप रेड पट्टियां पहन के आए हैं। नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मुझे पता है, मैं फुल टॉस दूंगा फिर मेरे पे आएगी। बिल्कुल बॉल ही छोड़ दी ना, बिल्कुल ही बॉल ही छोड़ दी, उसने कहा कि नहीं जी भाई साइड पे बैठा मैच देख रहा हूं। नहीं इतना तो पता होगा कि कितने होते हैं प्लैनेट्स। जी जी सेवन, माशाल्लाह सेवन प्लैनेट्स। और आप लाइब्रेरी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये ख्याल से आप देख ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कितने होते हैं भाई? 9 है टोटल, 9 है टोटल। वो दो कोई रात को लगा गया होगा, चलो हाँ दो और लगा ले, दो इन्होंने ऐड कर दिया। प्लैनेट नहीं कहते, दो 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 कराची के बैरियर टाउन में। मार्स जी, मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट, इज मार्स ट्रू और नॉट? मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। कुछ पूछना चाहेंगे आप? एक शेर करती हूँ, एक शेर करती हूँ। आदि भाई और फैजान भाई, आप दोनों की दोस्ती बड़ी मिसाल है, और कोई माने या ना माने ये दोस्ती बड़ी कमाल है। वाह थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तलबिया के लिए तालियां। तलबिया बड़ी राइम करती है, पोइट्री वगैरह सारा मैंने सुना जो इन्होंने शुरू में भी सुनाया, बहुत अच्छा था सर। तलबिया वेरी नाइस, वेल डन। अच्छा जी खवातीन हजरात, मनी ट्री की तरफ चलते हैं क्योंकि अब आप 50,000 रुपए जीत चुके हैं। बार बार याद दिला के ना हमें और टेंशन दे देते हैं, हम भूल जाते हैं। 50,000 रुपए बड़ी अच्छी अमाउंट होती है, और अच्छी है मुनासिब अमाउंट है। तो बंदा 50,000 रुपए में अब आपको पता है जरा बंदे का अच्छा पानी किराया शराया वगैरह पूरा हो जाता है सारा कुछ। अच्छा जी 50,000 रुपए में अगर आप बजर दबाएंगे, अभी तक आपने कोई चीट नहीं लिया जी, 3 चीट्स आपके पास हैं और आप 50,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है अगर आप बजर अब दबाएंगे तो 1,00,000 रुपए के लिए आप ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। ठीक है कैश ले लो 50, कैश कितने कितने वाले नोट होंगे? 25 वाला नोट कौन सा? ये भी कह रहा, नोट कितने वाले होंगे? 5,000 वाले, 5 कड़क 5 ही होंगे फिर तो, कड़क वो खुद कर ले इस तरीके से। कुछ तो आप भी करें ना। नहीं नहीं आगे जाएंगे। 100,000 a day,
लाख रुपए के लिए खवातीन हज़रात जा रहे हैं और देखते हैं कैटेगरीज अब आपके पास कौन सी बची हैं। लाख रुपए के लिए खेलने लगे हैं, 50,000 रुपए इन्होंने अपना जमा करवा दिया है। आइए, एनिमल किंगडम है जी, फिजिक्स है, मैथ्स है, पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, रिडल्स है, इंग्लिश है और सोशल स्टडीज है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स करना चाहिए। रिडल्स तुम्हें क्या पसंद है? रिडल्स में रिडल्स पढ़ रहे हैं ये औरतों वाली, औरतों वाली आते हैं रिडल्स। मैं पहेलियों में बात करूंगी पहेलियां बुझाऊंगी। पहेली आसान होती है, पहेली आसान होती है, पहेलियां मुश्किल होती हैं, पहेलियां आसान होती हैं। हां, पहेली आसान होती है और पहेली को पकड़ने की टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी अपने आप मिल जाती है। हां, मैं आपको एक पहेली आज देता हूं। जी जी। काला जोड़ा पा का डैश फरमाइश थे, काला जोड़ा पा शराबील दी फरमाइश थे। उल्टी शमीज पा जिप लगाओ तो मसला, जिप नहीं लगाओ तो मसला, क्या कर रहे बताए? नहीं नहीं, शराबील आप अच्छा कर रहे हो। क्या क्या जो आप नहीं कर रहे ना वो अच्छा, आप नहीं कर रहे ना वो अच्छा। भाई रिडल कर लो ना, रिडल्स कर लो ना, रिडल्स जैसे क्यों यार? मतलब अच्छा, मैं स्पोर्ट्स इसलिए नहीं कह रहा। अच्छा, साइंस के बाद आदमी रिडल्स पे आ रही है, एकदम साइंस के बाद रिडल्स, और मैं साइंस में बड़ा अच्छा था और अब मैं पहेलियों में जा रहा हूं। मैं स्पोर्ट्स इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि फैजान शेख का एक मसला है, फैजान शेख स्पोर्ट्स के मामले में बहुत सीरियस हो जाते हैं, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर हमारी थोड़ी सी हाथापाई हो जाएगी। हाथापाई नहीं, बहस मुवस्सा हो जाएगी। तो रिडल मुझे, चलो भाई कर लो तुम रिडल यार, रिडल रिडल ये हमारा, ये मैक्सिमम बहस होती है हमारी, रिडल कर लेते हैं। चलो भाई देखे स्पोर्ट्स कर सकते। ओह, दबा दिया भाई जान, दबा दिया। अब तुम अगर ना तो सही जवाब तो देखो। अच्छा जी, मैं अब आपको बताता हूँ आपकी रिडल ये है, वो कौन सी चीज है जो लेना बहुत जरूरी है। क्या बात है खातिर, साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं छड़ी के बच्चे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं छड़ी के बच्चे। आज हमारे पास आदि फिजान आए हुए हैं जो कि 50,000 रुपया जीत चुके हैं और अब 1,00,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं। Yes, अच्छा, अब थोड़ा सा गेम चेंज हो रही है, अब आपके हर कैटेगरी में से एक सवाल होगा। ओके, दो नहीं होंगे, ठीक है जी। लेकिन आपके जो बच्चे आएंगे वो आपके साथ दो सवाल ही खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। अब आपने चूज किया, अजीब एक चॉइस हुई, रिडल्स। रिडल्स पता नहीं, ये मैंने नहीं चूज किया, इन्होंने ही चूज किया है। ये बजर दबाने में आपका हाथ था, वो बहस कर रहे थे तो मैंने कहा कौन से बच्चे की रिडल्स बहुत अच्छी हैं, पहेलियां बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हम शराबील को नहीं बुला सकते ऐसे? आप बुला सकते हैं। नहीं, हमें नहीं बुलाना। मैं पैसे दे दूंगा लोग मेरे, अब तो बुला ले यार। यार मेरे ख्याल से आप क्या कहते हैं? अब आप मेरे ख्याल से मुसब को चांस देते हैं। आ जाए मुसब, मुसब आ जाए। उन्होंने वो भी एज वाली बात भी सही गेस की थी, तो लेट्स स्टिक विद यू। माय टी-शर्ट मुझे बहुत पसंद है, मुझे जींस पसंद आई है। फैंटास्टिक टी-शर्ट। क्या करें, बच्चों को ऐसे भेजें यहाँ से, हैं चीतो तरवा लें, ऐसे भेज दें इसको यहाँ से। अच्छा जी, आपके साथ मूसब आ चुके हैं और मूसब की एक्चुअली रिडल्स अच्छी हैं आपकी जी, चेक तो करें ना सर, कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें। वाह वाह वाह। ओके जी, रिडल्स आपने चूज की है और 1,00,000 रुपए के लिए अब आप खेलने लगे। बहुत बड़ा गैम्बल है ये, मैं बताऊं सर, 1,00,000 की पहेली आपको दिखाऊं कैसी पहेली? 1,00,000 की पहेली है, 1,00,000 की पहेली। आइए जी, 1,00,000 की पहेली ये है, व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन। ये क्या है? दो जवाब। तुम्हें लगता है इंग्लिश नहीं समझ आई, तुम अच्छा गुस्सा कर रहे हो, इसका उर्दू करना भी नहीं तुम, ठीक है? वो क्या है जो ऊपर जा रहे व्हाट गोज अप नेवर कम्स डाउन? डॉलर। ओह डॉलर, हां यस डॉलर, राइट। आजकल के साथ में डॉलर होना चाहिए, यू आर राइट। व्हाट गोज अप एंड नेवर कम्स डाउन, ये तो बड़ी वैसे बड़ी क्लास 2 वाली पहेली है ये। वो भी तो है वो जिस पर खड़े रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं, लिफ्ट। अरे नहीं नहीं, खड़े रहते हैं और यूं, वो ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज पे खड़े रहते हैं और यूं? मॉल में नहीं जाते, वो सीढ़ी होती है ऑटोमेटिक, खड़े रहते हैं ऊपर जाते हैं। अच्छा, वो है वो जो पी के यूं बस। एस्केलेटर कह रहे हैं? एस्केलेटर की बात। अच्छा, वो नीचे भी आती है, नीचे भी आती है, ऊपर वाली तो नीचे नहीं आती ना, ऐसी कौन सी लिखा है कि ऊपर वाली की नीचे वाली? व्हाट गोज अप नेवर कम्स डाउन, मुझे पता है क्या सर, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जा रही है नीचे नहीं आ रही ना? हाँ, आदि भाई और फैजान भाई,
ऊपर ही जाए यार, आई लव आई लव। और इसलिए कहा कि मेरे पे हाथ वाला रखा। नहीं नहीं नहीं, मेरे मुझे मारो, तोड़ दो। व्हाट गोज अप, अच्छा जी, व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन, इनकी जिप। यार जिप नीचे भी जाती है ऊपर भी जाती है भाई। ये ऊपर ही जाती है, नीचे आके अड़ जाती है। नीचे फंस जाती है। फंस जाती है तो फिर तो जी बिल्कुल फंस ही जाती है। ये जिप वैसे कहाँ तक है? जी जी, ये जिप कहाँ तक है वैसे? ये यहाँ तक, ये पीछे पीछे चली जाती है। ये शराब बिल्कुल अंदर। अच्छा एक मिनट, ये कौन से डिजाइनर से जब ली थी कि भाई ये मैं जिप? फैजान भाई जानते हैं, फैजान भाई भी उसके कपड़े पहनते हैं। अल्लाह खैर करे भाई। नजीब तो नजीब नजीब भाई तो मेरी तो जिप देखो यहां तक है। कुर्ता आपको देखे ना बदला लिया, पता नहीं फैजान भाई का लिया। ये जितनी बड़ी जिप लगी ना, यहाँ मेरी तो जिप सही चलती है बॉस, और यहीं तक है बस जहाँ तक होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जितनी बड़ी जिप है ऐसा लग रहा है खुलेगी तो अंदर से शकील भाई निकल आए। शराबील के सर में दर्द शुरू हो गई। मेरे में चीजें इंस्टॉल करना शुरू हो गई। मुझे लग रहा है ये कुछ हो रहा है। अच्छा जी, पहेली आपके सामने आई है, बताएं जो पहेली तुमने पकड़ी है। अब भाई अब यहाँ एक चीट ले ले। हाँ बताए, लाख रुपए का सवाल है, चीट बता। अच्छा मेरे जहन में बाकी दो जवाब हैं इसके। अच्छा लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कितने सही है। दो मुंह का सवाल है, जो एक बार मर गया वो वापस नीचे नहीं आता। भाई जान वो क्या चीज है जो ऊपर जाती है नीचे नहीं आती? मुझे ऐसा लगता है एज भी हो सकती है और टाइम भी हो सकता है। वाह 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 वाह, ये तंस कर रहे हैं आप? नहीं नहीं हाँ, नहीं इंप्रेस हुआ है, इंप्रेस हुआ है। ये ऐसे ही इंप्रेस होता है। टाइम टाइम लेकिन देखो टाइम आगे बढ़ता है, ऊपर नहीं आता। मगर अगर आपने बेंजामिन बटन देखी है उसमें तो वो जा रहा है, जा रहा था। देखिए आपने बेंजामिन, देखिए टाइम आगे पीछे होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। अप एंड डाउन, डाउन की बात भी हो रही है। अप एंड डाउन, हां वैसे आई एग्री। फॉरवर्ड फ्रंट बैक स्टेयर नहीं हो रहा। एज तो, एज तो सही बोला, एज तो नीचे नहीं आ सकती। हाँ एज बड़े हो गए। नहीं अगर आप, अगर आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जानते तो एज कम आ जाती है। अबे कैसी बातें कर रहे हो यार, अगर आप टिकटॉकर हैं, अगर आप टिकटॉकर हैं तो आपकी एज वही रहेगी। अच्छा क्यों 18 से ऊपर नहीं जाते ये? नहीं जा रहे लोग, नहीं इनका नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो गई है। टिकटॉकर से 18 से ऊपर जाते ही नहीं, इनको अलाउ नहीं होगा ना। जब से टिकटॉक बने वो 18 के फिक्स हो गए 18। एज या टाइम ले सकते हैं, चीट ले ले। श्योर यार ये तुम्हारी वाली बात सही है, एज वाली है। आप देखो ना मैं हो गया, ये टाइम भी सही लगा था लेकिन तुमने वो करके थोड़ा चेंज कर दिया उसको। देखो हाँ एज ऊपर जाती है, नंबर ऊपर जाता है। हाँ 1 2 3 एज मतलब 35 से 36 क्या कह रहे हैं? बजर दबाओगे तो मैं कुछ करूंगा ना। लाख रुपए भाई, लाख रुपया। अप एंड डाउन तो एज बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, डॉलर भी सही है लेकिन क्योंकि बच्चों वाला शो है, फ्लक्चुएट तो करता है ना, नीचे भी चला जाता है क्योंकि बच्चों वाला शो है, इसमें डॉलर नहीं होगा। नीचे भी जा सकता है, कभी भी गिर भी जाता है। एज एज हां हां बिल्कुल सही कह रहे हो, अप एंड डाउन। अल्लाह आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अच्छा आईडिया पता नहीं, चीट ले लो, ले ले भाई चीट, एक चीट ले लो आराम से, 1 लाख रुपए यार ले चीट। क्या भाई नहीं ले, बाद में यूज करिए। ओए ओए तू हेल्प तू क्यों दे रहा है? करे करे यूज कीजिएगा, करे। हां चीट चीट एज है पक्का? हां सोच ले। हां हां एज, हाँ हाँ एज ऊपर चले जाए एक बार गुजरा हुआ वापस नहीं आता। चीट ले लो, चीट ले लो, कंफर्म कर लो ना, चीट ले लो, कंफर्म कर लो। अच्छा चीट हमारे पास कौन कौन सी थी? एक तो थी ताका झांकी, आप जाके इसका आंसर देख सकते हैं, ले लेते हैं, हमें भी कहते हैं ले लेते, सेव कर लेते हैं हम, चीट लेंगे। अच्छा लेकिन आगे आगे पैसे बढ़ने ही हैं, फिर उस वक्त अगर चीट नहीं होगी ना तो बहुत ही तकलीफ होगी हमें कि यार इस बात पे हमने चीट ले ली थी यार। मैं तो कह रहा हूँ एज मुझे बिल्कुल सुनने में सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। आइए ये आप ही ने चूज किया रिडल, मैंने नहीं किया, आप करेंगे ये। एज ले खवातीन उस्ताद, एक फॉल्स तो आपको पहले हम धचका दे चुके थे, आइए देखते हैं कि जी 1 लाख रुपए की पहली धचके ने मैं वैसे अच्छा खासा हिलाया। व्हाट गोज अप नेवर कम्स डाउन, इट इज एज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओए 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 ओए, वेल डन मिस्टर फजान, क्या बात है जी। आइए मनी ट्री देखते हैं जी, मनी ट्री पे आप लोग कहां पहुंचे हैं? वाह वाह वाह, बड़ा वैसे माशाल्लाह 1 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं भाई, 1 लाख रुपए पे। आप यहां से भाईजान 1 लाख रुपए लें और आराम से घर जाएं, 50,000 रुपए दोनों को खेले घर जाएं। भाई लाइब्रेरियन हमें कह रहा है कि खेलें। खेलो भाई, अभी चीट आपको लगती है। बताइए आदि भाई जी, जी मैं आपके इंटरव्यू में एक वो दिखा था, किस्सा सुना था माँ के ऊपर, वो बहुत अच्छा था, मैं सुनने के बाद मुझे खुद होने आ गया था। वाह, तो क्या वो वापस सुना देंगे?
वो किस्सा, वो किस्सा बहुत लंबा है, वो सुनाने लगा तो हमारे पैसे रह जाएंगे। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये तुम चलाक चल है, थोड़ा सा तुम शो का टाइम पूरा करा रहे हो हमारा, चलाक क्या हुआ? वो किस्से का शॉर्ट फॉर्म ये है कि आपकी जो मामा है ना, वो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत शख्सियत है। आदि, अभी आपने एक रियलिटी शो किया था। जी सर। और बड़ा कामयाब वो रियलिटी शो गया है, मगर उसके लिए आप ऑलमोस्ट 30-40 दिन बंद थे। 45 दिन बंद रहे। जी सर। उन 45 दिन में आपका आइडिया था कि आप इतने दिन बंद के लिए रेडी रहेंगे, या आपका था कि मैं 5-10 दिन में ही बाहर आ जाऊंगा? मुझे तो ये था कि बस मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे भी लोगों के साथ इतना घुलता मिलता नहीं, टेम्परामेंट का सीन ऑफ, तो मुझे था कि बस मुझे मैं निकलूंगा यहाँ से। लेकिन बस वो कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने इतना प्यार दिया, सब किया, तो नोबडी वोटेड मी आउट, तो मैं फिर फाइनल तक गया, सेकंड आया। तो पीछे आपने क्या क्या चीज़ें मिस की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इवेंट्स वगैरह कुछ नहीं मिस हुए? नहीं नहीं, श्रामिक की ऑफर वगैरह कुछ, वो तो ज़्यादा से काम की चीज़ें 2-3 रह गई थी, लेकिन वैसे एज सच वो नहीं होता कि वर्ल्ड कप, एशिया कप वगैरह कोई मिस हुआ? सब मिस हुआ ना। हाँ, सभी मिस। हमें लोग वो जो गेस्ट आते थे वो बताते थे कि बाहर बारिश हुई है, बाहर ये हो रहा है, तो फिर हम अजीब से थोड़े दिनों बाद एलियन वाली फीलिंग आने लग गई थी, क्योंकि पता ही नहीं था। अच्छा, सनलाइट तो आती थी वहाँ? एक टुकड़े पे आती थी कुछ घंटे डेढ़ के लिए, वो हमने जगह बनाई हुई थी कि हाँ यहाँ आती है, तो हम टाइम भी नहीं देखते थे, तो हम रोशनी के हिसाब से लगाते थे कि अच्छा ये टाइम हो रहा है, अच्छा नमाज का टाइम शायद हो गया है, तो हम वो रोशनी पे, इतना सा एक पैच था। मगर काफी डिप्रेसिंग हो जाता है बंदे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। असल में मुश्किल बात ये थी, मैं सबको ये कहता हूँ कि जेल में आपको पता होता है कि आपने एक गलत काम किया, आप जेल में कैद में। लेकिन वहाँ एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप नमाज के लिए प्रॉपर टाइम से नमाज पढ़ने जाते। हाँ बिल्कुल, वो अच्छी चीज, वो एक अच्छा पॉइंट था। और मैंने उनको ये भी कहा था कि जो भी है सब ठीक है, लेकिन नमाज का टाइम। आदि को जब मैंने वहां देखा, और जब इसने मुझे बताया था कि मैं जा रहा हूँ, तो ही वाज वेरी डाइसी अबाउट इट, बट ही सेड कि नहीं मैं जाऊंगा। तो मैंने इसकी पूरी जर्नी देखी है, मतलब वी यूज टू मेक श्योर कि हम देखे ही देखें सोने से पहले कि ये क्या कर रहा है। और मुझे बड़ी परेशानी होती थी इसको देखे, बिकॉज मैं वाकिफ हूँ इससे कि इसका मिजाज कैसा है लोगों के साथ और ऑल ऑफ दैट। लेकिन माशाल्लाह ही प्लेड रियली वेल, एंड इट वाज सरप्राइजिंग टू सी हिम हैंडलिंग सो मच। फाइनल 4-5 में आ गए थे आप तो, बल्कि मैं तो सेकंड आया था। हाँ बल्कि, हाँ सेकंड आया था। तो मुझे नहीं पता कि अगर वो ऑफर आती है तो उसको मैनेज करना, आई डोंट नो कि मैं हाँ करूँगा ना, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इसने क्या कुछ मिस किया है बाहर। तो वो हम, और उसमें एक मतलब जाहिर सी बात, अच्छी चीज़ें भी, काम ये सब कुछ तो होता है, लेकिन हमारे एक बड़े करीबी दोस्त के वालिद साहब चले गए दुनिया से, तो हमने लिटरली इस चीज़ को मिस किया कि यार आदि नहीं है यहाँ पे, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो। हाँ, तो वो दोस्त अच्छा, आपको अच्छा खबरें भी नहीं आती थी? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, आप मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी दुनिया में थे ही नहीं है, समझ लें। और लिटरली मतलब इसको देख के ना मुझे 2-3 जगह ये हुआ, मुझे भी माहम को भी, यार इसको कैसे बताऊँ मैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और हम सारे लोग जब उस शो से निकले थे, हम सब की तबीयत खराब हुई थी, हम सबको दो, किसी को 2 हफ्ते लगे, किसी को 4 हफ्ते लगे रिकवर होती है ना, साइकोलॉजिकली मतलब कुछ लोग बीमार हो गए। आई वॉज मेंटली लाइक लिटरली गॉन, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं ऐसे हो गया था यूं। तो वो टाइम लगा था उससे वापस। मैं एक आदमी को जिस दिन ये बाहर आया, उस दिन मैं उसको रेस्टोरेंट ले गया रात को। ही कुड नॉट बिहेव इन रेस्टोरेंट, मतलब इसने कहा इसका यहाँ का बिहेवियर भूल गया हूँ मैं, कि हम रेस्टोरेंट में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका मतलब है नेक्स्ट ईयर के लिए आंखें रेडी हो जाए। कि अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है तो कम से कम। नहीं नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, है। बिल्कुल है। जी जी, वेरी टफ सवाल है कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा लड़ता कौन था और उसको फिर कॉम्प्रोमाइज कौन करता था? अरे लड़ने वाला कौन है और कॉम्प्रोमाइज करने वाला कौन है? लड़ता, लड़ने वाला और कॉम्प्रोमाइज, हम मेरे ख्याल से हम दोनों एक जैसे ही हैं इस मामले में। कुछ चीज़ें हम अच्छा ये करते हैं कि अगर मुझे पता है इसका मूड खराब है तो मैं इजी हो जाता हूँ, मेरा मूड खराब है तो ये इजी हो जाता है। रोड पे मैं ज्यादा लड़ता हूँ एक दूसरे को, रोड रेज है, अल्लाह माफ कर दे, मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ बात बात पे, अल्लाह माफ कर दे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई गलत रोड। हैरान कौन, मतलब अगर इसके सामने कोई रॉन्ग वे आ रहा है ना तो बस उसकी लिख दी गई है, मैं 2 घंटे जाया कर दूंगा, लेकिन मैं ये आदमी जाके उसके सामने खड़ा हो जाएगा और फिर अंदर भी बैठा रहेगा, उतरेगा भी नहीं। तो मेरा मसला है रोड पे, मैं रोड, मतलब लोगों को मैंने देखा है कि लोग भी, वो भी आगे भी होते हैं, वैसे मेरा ख्याल है कि ना क्योंकि हम लोग जिस जमाने में रह रहे हैं ना, लोगों का वैसे शॉर्ट टेंपर हो चुका हुआ है जी, ऐसी छोटी सी बात के ऊपर पता नहीं कहां से बात। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जिंदगी मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर बंदे को खुद जरा थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खुद भी रोड के रूल्स जो है वो फॉलो करता है प्रॉपर्ली। नहीं नहीं, मेरे भी है रोड रेज, मगर मुझे ये शादी के बाद अंदाजा हुआ था कि यार
वो फने खान आप मतलब सब बने होते हैं लेकिन नहीं हुई ना अभी फिर आप कहते हैं कि यार भाई इस बंदे के मुंह में क्या लग के क्या एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब भाई उसने भी घर जाना है मैंने भी घर जाना है अल्लाह खैर करे तो वो और मेरे साथ एक दफा ये हुआ था एक गार्ड ने मेरे पे गन निकाल दी थी वहां मुझे रियलाइज हुआ एकदम एक सेकंड में मैंने कहा यार इट्स नॉट वर्थ इट कि मतलब वो गनमैन है किसी का और उसका काम ही यही था उसने ये किया और मैंने अल्लाह का करना था कि मेरा गुस्सा एकदम चुप हुआ मैंने कहा यार ये खुदा ना खासा अगर उंगली भी यूं हो गई तो अगला तो गया ना सही बात है जिस तरह मुझे उस बात पे बहुत गुस्सा आता है कराची में बहुत ज्यादा होता है कि जो रिवो और इन चीजों गाड़ियों के पीछे गार्ड डालास। उनकी जो गन है वो पीछे वाली गाड़ी की तरफ यूं पॉइंट हुई भी होती है और वो खड्डे में ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं मेरा मैं कहता हूँ यार आप क्या पागल है कि आपने गन मुझे पॉइंट की हुई है गाड़ी में खड्डे लग रहे हैं खुदा ना खासा गन मैलफंक्शन से चल जाए तो आपने गन यूं क्यों रखी आप ऊपर रखो कुछ कर तो वो ऐसे रख के बैठे होते हैं तो ये चीजें मुझसे बिल्कुल नहीं होती फिर आई लग रहा है आपकी रोड रेज आज यहाँ ना आए क्योंकि आज आप लोग इनकी शादी हो जाए जैसे आपने कहा ना शादी के बाद आपने रियलाइज किया बिल्कुल लग रहा है इनकी शादी हो जाए शादी हो जाए अच्छा जी बजट दबा दे अगर 1,00,000 रुपए के लिए आगे जाना है ओके 2,50,000 रुपए के लिए हम खेलने वाले हैं 2,50,000 रुपया कैटेगरी सिखाई जी कौन सी कैटेगरी खेलेंगे रिडल्स आपने इस्तेमाल कर दी है अच्छा जी रिडल्स हो गई है साइंस हो गई है जनरल नॉलेज हो गई है अब बताएं एनिमल किंगडम फिजिक्स पर्सनालिटी मैथ्स स्पोर्ट्स कल्चर ज्योग्राफी इंग्लिश या फिर सोशल स्टडीज वैसे कल्चर अच्छा है इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश तो आपको पता है द रिपीट ऑफ द फाइन इट इज नाइस ऑफ द मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे ये तो आसान आसान चीजें चूज कर रहे हैं अच्छा ओए 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 वो देख लिया था मैंने रिडल्स पे जो आपका हाल था अभी साफ आसान आसान चीजें अभी तूने फड़ी मारी थी मगर ये है कि उसने बचाया ज्योग्राफी कर लो भाई ज्योग्राफी कर लो और मुश्किल अच्छा मजे की बात है यहाँ एक हमारे पास टिकटॉकर आई उसने कहा मैंने सोशल स्टडीज लेनी है मैंने कहा सोशल स्टडीज मैंने कहा बेटे सोशल स्टडीज का मतलब क्या होता है कहती सोशल मीडिया बस ओए हाय फिनिश शो बंद बंद मैं उसके बाद ये डेस्क तोड़ दिया अपना मैंने वो लैंप जो था अपने सर में मारा वो झंडे को मैंने ऊपर करके ना मैं उसका कील जो था अपने सही है सोशल स्टडीज मतलब उसने कहा स्टडी ऑफ सोशल मीडिया सोशल स्टडीज इसका मतलब फॉल्ट आपका है वो तो सही था सर बिल्कुल इसलिए तो मैंने झंडा ऊपर कर दिया था सही किया आपने क्या कह रहे हैं अच्छा जी बताइए क्या कहना चाहिए कह रहे हैं ज्योग्राफी यार आप रिडल्स बोल सकते तो मैं ज्योग्राफी नहीं बोल सकता चलो एक आप ज्योग्राफी कह रहे हैं ये कह रहे हैं वैसे तो मैं स्पोर्ट्स के मूड में था कि स्पोर्ट्स होना चाहिए वो आखिर में करिएगा अच्छा बचा के रखा पावर है उसमें आपका ज्योग्राफी लॉर्ड ऑफ पावर हां अक्ता लावा ये क्या हुआ लॉर्ड ऑफ पावर अक्ता लावा ज्योग्राफी ज्योग्राफी लावा देख लो हां हां आ जाओ है कुछ कुछ हमें पता है कुछ भाई जान क्या इजी ले रहे हो ज्योग्राफी ज्योग्राफी लॉक कर दी गई है ऐसे में जॉगर की बात हो रही है जॉगर अच्छा जी अब आप लोगों ने 1,00,000 रुपए जीत लिया है जी अब आप लोग 2,50,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं अगर जवाब सही हुआ तो क्या मिलेगा 2,50,000 रुपए और अगर गलत हुआ तो क्या होगा ओके अब देखना चाहते हैं ज्योग्राफी का 2,50,000 का सवाल क्या जी अल्लाह खैर करे आइए 2,50,000 का सवाल दिखाएं जी ज्योग्राफी का हाउ मेनी नेशनल पार्क्स पाकिस्तान हैज नेशनल पार्क है पता ही नहीं हमें नेशनल पार्क व्हाट इज नेशनल पार्क कराची में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं पार्क पार्क है पार्क पार्क्स हैं यहां पे पार्क्स तो बहुत हैं नेशनल पार्क्स कितने हैं हमारे आई थिंक इट इज टाइम It is time to cheat. ये बच्चों से काम कराया जाए Absolutely. अब 2,50,000 की बात भी हाँ, 2,50,000 की बात भी और हमें इसका कख नहीं पता कख भी नहीं पता कख भी नहीं पता तो आई थिंक बच्चों को कहा जाए कि वी आर चीटिंग जी चीटिंग ओके दबाएं बजर दबाएं चीटर ताका झाकी आइए जी आंसर आइए जी जाएं बेटा सही से पढ़ के आना गलत देख लेना इतने गांव होते हैं सही है नेशनल पार्क अब उसने तो लिख दिया बेचारे ने अच्छा अब ये भी नहीं पता कि ये सही है कि गलत ये है नहीं तो आप, ये तो देखे आपको पहले कहा है ना 90% ऑफ द टाइम दे आर राइट इसकी मुझे तो लग नहीं रहा मुझे तो कम लग रहे पाकिस्तान के हिसाब से नहीं नहीं अब आधी नहीं पूछी पार्क बहुत है जो बनाया जाए पार्क बहुत है अच्छा जाए वाह भाई वाह अभी आप F9 पार्क ना इसमें काउंट वही मैं कह रहा हूँ नेशनल पार्क अच्छा हाँ या लाहौर में एक शिवा पार्क भी है वो भी डाल दें इसमें देखो हमें पता नहीं है हमें तो
उसको पता है। जो लग रहा है कि पार्क का मैंने नाम लिया ना, तुम लोगों की कोई यादें ताजा हुई है कि अच्छा पार्क, पार्क। नहीं नहीं, हम पार्क वाले लोग नहीं, बिल्कुल पार्क वाले बिल्कुल लोग नहीं, पार्किंग वाले, पार्किंग वाले, पार्किंग। आया आया लड़का आया। ये क्यों बोले, क्योंकि टिकट ये लेता था यार, अब ये मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है, पार्किंग। ओके जी, देखो मेरा ये कहना है कि हमें, मुझे तो भाई अब हमने ये लाइफ लाइन लिया, हम उसके साथ ही जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, वो सब भाई नहीं, और कोई तरीका नहीं है, और किसी तरह या तो 2.5 लाख गया। अच्छा एक ही सवाल पे अगर दो चीट्स लेना चाहें तो ले ले। नहीं, नहीं। तो किसी ने लिए नहीं, हो सकता है, लेकिन नहीं, 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 मगर दूसरा चीट पता क्या है? क्या छाप दो कि जो आंसर है वो भी छाप दो। चले फिर हम, मेरे ख्याल से हम मुसब के साथ ही जाएंगे, जाहिर है मुसब, हमारी इज्जत और हमारे पैसे आपके हाथ में, हमारी इज्जत आपके हाथ में। द आंसर इज 35। 35 नेशनल पार्क्स हैं पाकिस्तान के अंदर। खवातीन हज़रात देखते हैं, नहीं इब्राहिम पहले से यूं कर रहा है, देखिए ट्रू 35, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन पाकिस्तान? ढाई लाख रुपए पे ले आए हो, 2.5 लाख रुपए पे ले आए हो, वहाँ जाते लिखेगा कि अच्छा इनसे इतने तो लेने। मनी ट्री देखते हैं जी, मनी ट्री देखते हैं, कहाँ 2.5 लाख रुपए, वेरी नाइस भाई जान, 2.5 लाख रुपए आ गए, 5 लाख रुपए तक ना जाओ, लालच बुरी बला है। मैं जो चीज देख के ललचा रहा हूँ ना, वो ये हो रहा है कि सिर्फ 5 सवाल हैं यार, देखा जाए तो ऐसा ही है, और 2 में तो चीट मौजूद है, तो 2 तो खेलने ही खेलने, बस खेलने खेलने, हाँ खेलने खेलने, बस देखिए 2 चीट तो है ना। मेरे ख्याल से हम जाएंगे 5 लाख की तरफ। क्या बात है, 5 लाख जी सर, अगर इंशाल्लाह आ जाता है तो 5 लाख का क्या इरादा है? 5 लाख का 2.5 लाख रुपए तो आ गया जी आदि भाई, क्या इरादा आपका, क्या क्या करेंगे 2.5 लाख रुपए लेके? मेरे ख्याल से अभी मैंने कुछ कर्जे देने हैं। मेरे ख्याल से मैं अपनी वालदा को घुमाने फिराने लेके जाऊंगा। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन आदि भाई। अच्छा जी खातिन हजरात, कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको 5 लाख रुपए तक कौन सी लेके जाएगी? आए जी कैटेगरी। अच्छा ज्योग्राफी हो गई है, साइंस हो गई है, रिडल्स हो गई है, जनरल नॉलेज हो गई है। अब आप देख रहे हैं रंग भी हमारे पास डार्क होते जा रहे हैं, इसका मतलब है सवाल भी काफी डार्क हो जाएंगे, तो कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सारे सीनियर्स हैं ना, जो आप लोग सारे हैं, चले मैं सीनियर तत्ते नहीं, नहीं आप हैं ना, देखे ना आप कैसी बात, हमें जब ए नहीं पता। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने आपको देखा है बचपन में काम कर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं जब आपने जटन बॉन्ड शुरू किया था, तब तब आई वाज लिटरली इन, मैं 6 साल का था तब, नहीं नहीं बड़े ही थे उसमें। मैं तो फिर प्लान ही हो रहा हूँ तो मुझे लगा सारे, मुझे अभी भी याद है कि जब जटन बॉन्ड आया था तो आई वाज इन 9th और मैट्रिक आई गेस, तो मुझे अच्छे तरीके से पर्सनालिटी लॉक करें, फिर पर्सनालिटी लॉक करें, पर्सनालिटी इट इज, वाह वाह। और अगर आप पूछें कि इंडस्ट्री में कौन, तो मुझे जो नाम ऑन टॉप ऑफ, अभी ठहर जाए यहीं से, एक ब्रेक लेंगे उसके बाद इसी के ऊपर बात करेंगे। और देखो जरा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है। वी विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे सबसे क्लेवर शो, जिसका नाम है जी वाह, क्या बात है। आदि फिजान अब 2.5 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं और 5 लाख रुपए के लिए खेलने के लिए तैयार हैं, और आपने पर्सनालिटी चूज की है। और उससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी फेवरेट एंटरटेनमेंट में पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं। मैंने कहा था कि ऑन टॉप ऑफ माय हेड जो नाम आता है वो आता है कवि खान साहब का। क्या साथ आप जब टाइम स्पेंड करें, जिनके साथ काम करें, तो आप सिर्फ बैठे रहें तो आप चीजें सीखते रहते हैं। इंस्टीट्यूट है भाई वो, इंस्टीट्यूट एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला उनको बहुत सारी सेहत दे, आमीन आमीन। वो रहे हमारे साथ जितना, क्योंकि बिकॉज उनके ऐसे लोग बहुत कम देखे मैंने। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा और यंगर लॉट में से कौन से आपको पसंद है? यंगर लॉट में फैसल भाई एक बहुत जबरदस्त वो हैं। यंगर लॉट, यंगर कह रहे हैं मतलब जवान। इसके पैसे अलग से लिए थे मैंने उनसे। ओह थैंक यू। और उसके अलावा उससे ज्यादा यंगर लॉट अहमद
अहमद अली अकबर. हाँ अहमद अली अकबर. वेर ओके. वो अच्छा लगता है मुझे. बट साहब खुश हुए थे पहले थोड़ी देर के लिए. मैं कहा अहमद अली अकबर. अकबर नहीं नहीं अहमद अली अकबर बाकी बड़ा अच्छा. बाकी बहुत जबरदस्त वेरी नाइस. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास लेकिन जो हमें अभी फौरन ज़हन में आ रहे हैं वो. और लड़कियों में कौन पसंद है? सारी ओल्ड न्यू एंड दरमियानी मीडियम स्पाइसी सब सब लड़कियां सब सब कोई भी चलेगी भाई. कोई बस ले आए बस किसी तरह. ओहो क्या बात है क्या बात है. बेफिक्र एक दिन आएगा एक दिन आएगा. पा, 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 पा. एक दिन आएगा जब तुम इस बात का जवाब ना दे पाओगे जैसे मैंने बोला. जब वो आएगा ना उसके बाद तुझे भी पता लगेगा. तू कहेगा हाय यार मैंने क्या किया क्या हो गया मुझसे क्या से क्या. अच्छा जी पर्सनैलिटी आपने चूज की किस बच्चे की पर्सनैलिटी है? अब तो इब्राहिम रहे. इब्राहिम जिस तरह से मैं देख रहा ना वो अलग है. अच्छा बेटा ना बुलाओ मैं. ठीक है आ जाओ इब्राहिम भाग के. आ जाओ इब्राहिम. इब्राहिम ओए 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 टॉफी के लिए हाथ खोल. क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? थैंक यू फॉर द टॉफी. आते साथ ही जरा शुमी. मुझे लग रहा है हिस्सा भी मांगेगा अपना. वेरी नाइस इब्राहिम वेरी नाइस. अच्छा जी थैंक यू वेरी मच. हां दो चीट्स बचे हैं आपके पास. जी बिल्कुल ठीक है. 2.5 लाख रुपए आपने जमा करवा दिए हैं और अब आप 5 लाख रुपए या तो जीतेंगे या फिर पांच लाख रुपए का सवाल दिखाएं जी. इन द एंड इट्स नॉट द इयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट्स इट्स द लाइफ इन योर इयर्स. किसने ये कहा था किसने ये बड़ी बात कह दी थी? ओहो मुझे तो लग रहा है खलील रहमान कवर साहब ने ये बात कही है. नहीं ये इंग्लिश में है ना. ओह तो क्या पता हमने ट्रांसलेट किया. मथीरा हो सकता है. मथीरा इंग्लिश में कर रही है आजकल. हाँ मथीरा कर रही है इंग्लिश. मथीरा से दोस्ती है आपकी? जी जी बहुत ज़्यादा. बहुत पे जोर दिया. बहुत ज़्यादा दे दिया. बहुत पे जोर दिया. अच्छा मैं तो उनको जानता हूँ और बड़ी मेरी दोस्ती भी है उनसे. मुझे बहुत अच्छी लगती है. अच्छा शर्मा क्यों रहे आदि आदि मैं तो मुझे हर तरह से अच्छी लगती हूँ. हर तरह से अच्छी लगती जी. ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सोशल मीडिया मतीरा स्टोरीज स्नैपचैट हर जगह स्नैपचैट. अच्छा तो मतीरा सिंगल है आपको पता है ना? जी जी कभी कभी होती हैं. होती है उनकी फोटो सिंगल होती है. मैंने देखी अकेले खड़ी हुई है. अच्छा कहते हैं फोटो है. नहीं तो अगर आप कहते फिजाना आपको एक अच्छे दोस्त का यहाँ रोल विंगमैन बने आप. अगर हम यहाँ से आज 10 लाख रुपए जीत गए तो यस प्लीज आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल. अच्छा चलो अच्छी बात है. क्या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे 10 लाख में? वाह वेरी नाइस. ओ भाई मसला पड़ गया सोचो. जी जी मेरा ख्याल से जो सवाल है ना इसमें अब ले लेनी चाहिए. क्या करेंगे भाई जान 5 लाख रुपए का है. लें चीट नहीं भाई बिल्कुल. मैं ये समझा रहा था देखो 10 और 20 तक तो हम पहुंच सकते हैं आराम से. दो चीट तो हैं. इब्राहिम पे मुझे पूरा भरोसा है. अब क्या जो चीटर्स का क्या नाम है? अब है छाप जो ये कह रहे हैं. जो ये कह रहे हैं वही हो. जबड़े छाप क्यों नहीं अब आप देख नहीं सकते. चीट मतलब ये कि जो ये कहेंगे वही होगा ना. अब जो आंसर है उनका वही काम. हम ना भी देखें तो. हाँ ना भी देखें तो खवातीन हजरात देखते हैं कि आप इब्राहिम आपको 5 लाख रुपए तक लेके जाएंगे. इन द एंड इट्स नॉट द इयर्स इट इज योर लाइफ दैट काउंट इट इज द लाइफ इन योर इयर्स. आपका जवाब क्या था? इब्राहिम लिंकन. इब्राहिम लिंकन आइए देखते जी. इब्राहिम लिंकन इज इट ट्रू और नॉट? गया ये कंफर्म नहीं कह रहा था. ये पहले खुश हो गया कहता है भाई साहब ने तो दे अल्लाह ये सही नहीं था क्या? वाह 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 भाई जी मनी ट्री दिखाइए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. इब्राहिम ने आपको इब्राहिम लिंकन बचा लिया. बचा लिया इसीलिए पता था शायद इसको. यस 5 लाख रुपया आ चुका है. वेरी नाइस. एक चीट बचा है. 5 लाख आ चुका है. 5 लाख लोग घर जाओ. 2.5 लाख रुपया आ रहा है. अम्मी को घुमा लाओ बेगम को घुमा लाओ घर जाओ. हैं सही है. 5 लाख तो सही है. 5 लाख तो सही है यार. है लेकिन एक चीट है यार आदि भाई जान. एक चीट गलत भी तो हो सकता है. पूरा जीरो हो जाएगा फिर. मतलब एक मतलब गलत. अच्छा अफर्ज करें आखिरी चीट है क्या? आखिरी चीट है बचत. इसमें क्या होता है? आप जवाब देंगे मगर उसका जवाब भी काउंट होगा. मतलब दो ऑप्शन हैं फिर भी अगर आपका गलत हुआ तो फिर उसका सही वाला काउंट हो जाएगा.
अगर उसका सही हुआ तो बशर्त ये वाला तो जीरो खेल लेते हैं। एक तो खेल लेते हैं, एक और खेल सकते हैं, एक खेल लेते हैं। और ये लाइफलाइन बहुत अच्छी है, ये वारा है, ये लालच आ रही है बच्चों, लालच बुरी बला है भाई। लाइफलाइन बहुत अच्छी है असल में ना, बचत वाला के दो ऑप्शन हैं आपके पास तो, मगर 5 लाख रुपए भी तो है। बट बार बार ना बोले ना यार, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप घुमा फिरा के पहचान भाई। वैसे आगे क्या आ रहा है, 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख अगले के लिए, 7.5 लाख रुपए के लिए। बचत पे भी लोग हारे हैं, इन बच्चों ने हरवाया है। तुम कभी 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए में अपना शर्वील सदका कितना निकलता है? मेरा ख्याल है कुछ निकलेगा 25,000 या 30,000 अलग कर दिए मेरे। इस महीने आप घर में ही रहोगे। ठीक है भाई, खेलेंगे हम आगे। ओ खवातीन हज़रात, 5 लाख रुपए आपके गए, अब आप 7.5 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं। लेकिन इब्राहिम तो ने एक ही जवाब दिया। नहीं, वो आपके साथ रहेगा, अब कैटेगरी चेंज होगी। ओके आए जी, कैटेगरी चेंज। इब्राहिम भाई तेरा ख्याल कीजिएगा, दिखाई जी कैटेगरी कौन सी खेलना चाहिए। 7 लाख से ऊपर अभी तक कोई नहीं, हम जाएंगे यार। अच्छा 7 लाख क्या, 7 लाख में सब लोग हार जाते हैं। कैटेगरीज हम नहीं हारेंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। कैटेगरी दे दें, पर्सनैलिटी हो गई, साइंस हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, ज्योग्राफी हो गई, रिडल्स हो गई, पीछे बचा एनिमल किंगडम, फिजिक्स, मैथ, स्पोर्ट्स, कल्चर, इंग्लिश और सोशल स्टडीज। सपोर्ट्स ले लें, सपोर्ट्स स्पोर्ट्स 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 ये स्पोर्ट्स पे आ गए एकदम फौरन। अच्छा जी, आप देखते हैं, आपने स्पोर्ट्स चूज किया, स्पोर्ट्स लॉक करें। आपका सवाल जो है स्पोर्ट्स का, अच्छा 5 लाख रुपया जी आपके पास था, था आपने वो जमा करवा दिया। अब अगर जीत गए तो मिलेंगे 7.5 लाख रुपए, हाँ जी ठीक है, और अगर हार गए तो ये भी मिलेगा, ये यस, और शायद वो टॉफी भी दे दे। वो हमने इसलिए फौरन खा ली। 7.5 लाख रुपए का सवाल क्या होता है, हाँ जी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वेट ऑफ गोल्फ बॉल एज पर रूल ऑफ गोल्फ। वाह वाह, ये तो बट साहब और बॉल से नाराज हुए हमसे। ये तो फिर ना ही ना करने वाली बात, नाराज हो रहे हैं। मैं बट 7.5 लाख रुपए अभी तो आ रहा है, ये देखो ना 7.5 लाख रुपए और उन्होंने गोल्फ बॉल का वजन पूछ लिया। जी अजय भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी भाई जान, आप बताओ। कोई सीन ही नहीं है। गोल्फ खेली कभी जिंदगी में? अच्छा स्पोर्ट्स में से कौन सी आपकी फेवरेट है? क्रिकेट क्रिकेट ही होगी। हाँ क्रिकेट, फुटबॉल। अरे वाह, और है खेला बहुत कुछ। फेवरेट प्लेयर क्या है? फेवरेट प्लेयर जब तक रोनाल्डो, मगर फिजान मैंने सुना है गोल्फ खेलते हैं आप? नहीं गोल्फ मैंने नहीं खेली, लेकिन मैंने टेबल टेनिस, रग्बी, हॉकी, सॉकर, लॉन्ग जंप, जेवलिन, ये सब किया हुआ है मैंने। ओह अच्छा, इवन स्प्रिंट भी की हुई, 100 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं स्कूल में। मगर एक शो में तो आपने बोला था मैं गोल्फ खेलता हूँ। गोल्फ खेलता हूँ? मैंने कहीं नहीं बोला मैं गोल्फ खेलता हूँ। सवाल फैसल भाई के शो में आपने बोला प्ले स्टेशन पे खेलता हूँ। नहीं, वो मजाक से कहा, मजाक से बोला, मजाक से। हाँ गोल्फ का कोई सीन नहीं है, जिसने ये मजाक से कुर्ता पहनाया आज। यार मैं बीच में आया, आई नहीं रहा ना, अब गेम ही नहीं खेल रहा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर बैठ गया मैं, बाहर बैठ गया। अच्छा तो गोल्फ का तो आपको कख भी नहीं पता इसका? बिल्कुल सवाल ही पता नहीं होता। तो मतलब के चीट यूज करेंगे, चीट यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। हमारा वैसे प्लान भी था कि यहाँ पे आके चीट यूज करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 लाख रुपए हैं तो फिर। अच्छा सवाल भी अप्रोक्सीमेट है मतलब। अच्छा गोल्फ बॉल कभी देखा तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। नॉर्मली अंदाजा तो होता है कि यार कितने का होगा, 1 किलो का तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ग्राम्स में होता है ये तो, ग्राम्स में। देखिए ग्राम्स में कितने ग्राम्स यार, क्योंकि बताओ देखने में लगता है जैसे हैवी नहीं होगा, बट गोल्फ बॉल अच्छा खासा हैवी होगा। अगर फर्ज करें, अगर फर्ज करें हम बोलते हैं, जी 70 ग्राम, और अगर 69 आंसर हुआ तो वो सही होगा? नहीं भाई, आपने अप्रोक्सीमेट लिखा है ये। चले हाँ चले, मैं ये इतना लेवरेज तो दे दें छोटा सा, दो ऊपर और दो नीचे, हाँ। इतनी ऑप्शन, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप लेट्स सपोज कहते 80 ठीक है, तो 81-82 हाँ। या 79-78 इतना मार्जिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बट साहब उसमें होती है रेंज ना, कि आप हैवी वाला बॉल ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद। नहीं फिक्स होता है गोल्फ बॉल का? फिक्स होता है, फिक्स ही होता है, बिकॉज क्रिकेट बॉल में भी होता है ना, कि अलग अलग वे हो सकती है। किलो का आधा क्या होगा? किलो का आधा क्या होता है? आधा किलो कितना ग्राम होता है? ये वाली कैटेगरी मैंने नहीं ली अभी तक जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मगर आप लोग चीट ले सकते हैं। चलें चीट लेंगे। अरे रुक तो, हेलो हाँ चले, चीट तो आपने ले ली, अब इस चीट की कंडीशन ये है कि आपको जवाब देना है। हाँ तुम सबर तो करो,
मुझे लगा वो लेगा। अच्छा तुझे लगा कि वो खुद ही कर देगा। आपकी लास्ट चीट थी जो आपने ले ली, उसका नाम है बचत। सवाल, दो जवाब देने ना। अब बचत का ये है कि आपका एक जवाब जाएगा और एक जवाब वहां से जाएगा। आपका जवाब क्या है? मेरा दिल तो कह रहा है 50 ग्राम। 50 ग्राम बहुत कम लग रहा है। नहीं बता दो। 50 ग्राम। दो आगे दो आगे, तीन आगे तीन पीछे कर ले यार। तीन आगे तीन पीछे नहीं ना भाई, दो दो कम से कम इतना तो होना चाहिए। आप कह दें कि अप्रोक्सीमेट इतना कह दें। अप्रोक्सीमेट 50 ग्राम तुम कह रहे हो ना, तो 52 और 48 तक बच सकते हैं हम, ऐसे ही है? हाँ, दो नीचे दो ऊपर तक जा सकते। 50 ग्राम तो कम होगा, बॉल है। अदू हैवी बॉल होती है यार, ट्रैवल कर, तभी तो ट्रैवल करती है प्रॉपर। हल्की होगी तो फिर इधर उधर भाग जाएगी आवाज। हाँ मल्ले वाले के साथ तो भी भाग जाएगी। मुझे लगता है कोई 60 वाट होनी चाहिए। नहीं कम में होगा, कहीं पीछे भारी नहीं होती इतनी बॉल, भारी बॉल नहीं होती, छोटी होती है ना। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं बॉस, इसलिए मैं पढ़ ही नहीं रहा इधर। बचत अब आपने ले ली है, बचत आपकी अब काउंट हो रही है। हाँ मतलब देखो एक काम करते हैं, 48 कर लेते हैं। ठीक है 48 है तो दो इधर हुआ और 46 दो दो है ना, 50 दो दो, तीन तीन गाना आपने, तीन के दो 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 आपने कहा तीन तीन, उन्होंने कहा दो ही हैं जी, दो ही 48 कर लो। चलो 48 कर लेते हैं, एक तरफ 45 हो जाएगा और एक तरफ 50 हो जाएगा। नहीं बेटा 46 और 50। अगर आप 48 कहते हैं तो 49-50 या फिर 47-46 और 47, वही कह रहा हूं ना, 46 तक आएगा। 7.5 लाख रुपये बहुत ही बुरा फंसा है। और भी उसका जवाब भी तो है, वो तो खैर बचा ही लेगा हमें, लेकिन हम मैं चाह रहा हूँ कि हम जितना अगर अच्छा ये होगा कि अगर हमने सही दिया तो हमारी लाइफ लाइन बच जाएगी। लाइन वो तो गई ही गई, वो तो गई, वो तो यूज हो गई, लाइफ लाइन तो यूज हो गई। सबर तो करता है एक मिनट। 47 कर। वैसे मशवरा देता हूँ, जितना एक्यूरेट अपने आप को कर सकते हैं ना उतना करें, ठीक है? क्योंकि देखिए हमने हमेशा कहते हैं कि 90% ऑफ द टाइम दे आर राइट, ठीक है ना। पहला सही दे दिया, दूसरा कुछ हो सकता है। 40 एहतियात दुआ से बेहतर है। 48 करेंगे। बटन इज बेटर देन जिप। सुनी नहीं रहे ना, तो बॉल ही उन्होंने लीव कर दिया है। सुना है लेकिन महसूस नहीं किया उसने। हां बिल्कुल 48 करते हैं भाई, 50 और 46 पे राजी हो जाएंगे हमें। ठीक है 48 लॉक कर दे। आदि भाई सोच के तुम ही करोगे, ठीक है फैजान भाई तो हां हमने चीट भी तो लिया हुआ है। हां चीट तो है और ये हमें जवाब नहीं बता सकता अभी जी नहीं, लेकिन इसका जवाब लॉक, इसका जवाब लॉक हो चुका हुआ है। अच्छा जवाब लॉक हो गया हुआ है वो कंप्यूटर पे, क्योंकि जब वो बजर दबाते हैं ना वो अपना आंसर फीड करते हैं, वो आंसर फीड करते हैं तो लॉक करते हैं, तो उसका जवाब तो जा चुका हुआ है। 48 बस शादी भाई बस 48 एक बढ़ा ले 49 और हल्की होती है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई आगे कहाँ जा रहे हो, फिर कम कर, फिर 48 पे क्यों मार रहा, फिर नीचे 44 पे आ जाओ। 44 में क्या आ जाएगा, 46 भी हो जाएगा और 44 मतलब 50 से एकदम ये लोग 44 बहुत ऊपर चला गया, तो फिर नीचे 54 पे नहीं थे हम, 48 कह रहे थे हम, मगर तुम लोगों ने अच्छा खैर अपना भाई 44 का है, देख दो दोबारा सुन, मगर आपने 44 का आया 44 अब 46 भी हमारा है, 44 45 46 हां या 43 42 यस ये हमारा है। ओके खवातीन और हज़रात 6 नंबर अप्रोक्सीमेटली 42 43 44 45 46 के दरमियान में होता है ग्राम्स, ठीक है? बच्चों का जवाब देखते हैं। अच्छा जी 50 ग्राम्स 49 ग्राम्स 45 105 केजी, ये मेरे अब्बा का वेट है 105 केजी। अब्बा तुम्हें गोल्फ बॉल लगते हैं यार यार 105 ये खैर शेबी ने तो खैर करना अच्छा, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है भाईजान। आपने 44 कहा था, 44 45 इसमें सिर्फ एक ही जवाब मैच हो रहा है हमसे, तल्पिया का। अच्छा जी आपने भी कहा था 50, आपने 50 लिखा, 50 का आपने जी, उन्होंने 50 लिखा। अरे फिर टेंशन खातीन हजरात, ठीक है इब्राहिम इज रॉन्ग एंड देखते हैं आपका इज इट ट्रू, आपका भी तो है अभी, ही इज रॉन्ग, ही इज रॉन्ग इब्राहिम बेटा, आप भी गलत हो। हम गलत हैं? हाँ नहीं नहीं ये वाकई सीरियस वाला फॉल्स है। बट साहब आप हंस रहे हैं। इट इज 47.93 ग्राम्स।
47.93 ग्राम्स जी। आपने पीछे का कहा या आगे का था? तो 48 पे कौन था पहले? कौन था? फैजान भाई। फैजान भाई मैं था। आप थे? हाँ 48 का। फिर तुमने कहा पीछे की तरफ चले जाते कम हो जाए। तुमने कहा हल्की है, हल्की है और हल्की होती है। 48 पे अड़े हुए थे तुम लोग और बड़ा अच्छा अड़े हुए थे 48। तो इसने तो आप लोग को हल्का कर दिया। चलो अब आपने 44 किया। सकते हो दोस्त, क्या फायदा हुआ स्कूल भेजने का इतने पैसे देने का? अच्छा उसको बोल रहे हैं अपने को, आपको नहीं देख रहे? उसने 50 लिखा है, वो भी गलत है। ये क्या हुआ? It's 45.93. Oh yes. ये आदि के पॉइंट्स हैं। बहुत भाईजान आए मनी ट्री, देखते हैं कहाँ पहुंचे आप। मनी ट्री पे आप पहुंच चुके हैं और बड़ा अच्छा खेला है आपने। आप मनी ट्री पे पहुंच चुके हैं 7.5 लाख। वाह 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 वाह। तीन सवाल, सिर्फ तीन सवाल। नहीं नहीं भाई आगे नहीं खेले। चीट्स आपके खत्म हो चुके। खत्म, ठीक है जी। अब 7.5 लाख रुपए आगे लगाना है? नहीं। 10 लाख रुपए के लिए? नहीं भाई नहीं। 10 लाख? नहीं भाई नहीं। अब तो चीट भी नहीं है भाई, और अब तो 10 लाख रुपए की बात है। बच्चा भी गलत निकला है भाई। 10 लाख रुपया? 10? मैं 10 पे हूँ। नहीं भाई क्यों? ओ भाई जिस पे भरोसा कर रहे हो वो गलत निकला इस दफा। भाई उसकी तो बारी गई ना, अब तो है ही नहीं, अब हम ही हैं। अगला अगला ये है। अब मैं बचा हूँ खाली। हाँ खेल ले। 10 लाख रुपया अगला ऐसा होता है? आदि लगा दे 7.5। अगला नहीं होता, अगली होता है। 7.5 लगा दे। नहीं भाई देखो 7.5। नहीं भाई जब रिस्क ना लिया जिंदगी में तो वो जिंदगी किस काम? ये ठीक है, आपकी किताब मुकम्मल हो गई है। आप ये तो है, आप बात कर रहे हैं। देखो घर से कुछ लेके तो नहीं आए थे ना हम? लेकिन लेके जाएंगे, बहुत होते हैं 7.5 लाख। अकलमंदी कर रहा है फैजान भाई। मैं मुझसे अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो हम 10 लाख। आपसे इंडिविजुअली नहीं पूछा जा रहा, हम नहीं खेल रहे आगे। बट साहब 7.5 बहुत है। ओके सर, आप में से जो पहले बजर दबा देगा डिसीजन। लास्ट वाला तुमने बजाया था। लड़ पड़े। क्या बात है, क्या खेलने देते हैं। नहीं भाई 7.5 लाख रुपए दोस्त, आंटी को लेके भाग जाओ, चिल करो, शाबाश। 7.5 लाख रुपए। खवातीन उजरा, अगर आप बहुत जल्द आदि के इंस्टाग्राम पे बाहर की तस्वीरें देखें तो आप समझ जाइएगा यहीं का पैसा है। अच्छा 7.5 लाख रुपए, अच्छा आ गया। सब अच्छी अमाउंट है, सही है। अच्छा आई थिंक अच्छा खेला, बगैर किसी चीज के जाने से सही किया है। 7.5 लाख रुपए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आप, मैं तो कहूंगा कि बहुत लोगों से क्लेवर खेलेंगे। आपने कहा कि भाईजान 7.5 लाख रुपए आ रहे से पहले के yes. 10 लाख का एमी चला जाए, 7.5 लाख रुपए तो। और अब कोई हमारे पास लाइफलाइन भी नहीं है, तो मैंने कहा बेहतर है कि हम सेफ खेलें भाई। क्या बात है। आदि आदि के लिए तालियां जी। थैंक यू। खातिन उस्ताद, आप घर बैठ के 50,000 रुपए जीत सकते हैं क्योंकि आपका सवाल इस हफ्ते का ये है। याद रखे छठी के बच्चे, आपसे अच्छे हैशटैग करके हमें जवाब दीजिएगा। आपका सवाल ये है, 1000 microns is equal to. इसका जवाब आपने छठी के बच्चे आपसे अच्छे हैशटैग करके हमें देना है। और कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो अपने कुर्ते की तस्वीर भी दिखाइएगा ताकि हम शैबी को दिखा सके कि कैसे कुर्ते अच्छे अच्छे बने। इधर की लाइटें बंद हो सकती? हाँ, इधर की लाइट ऑलरेडी बंद है। अच्छा अच्छा जी। खवातीन हज़रात, आप अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। आदि अफजान, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। 7.5 लाख रुपए आपको मुबारक हो। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं छोटी के बच्चे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।